अस्सलाम वालेकुम क्लास। सबसे पहले आप सब लोग जो है वो अपनी ऑनलाइन हो जाए, उसके बाद जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन। आप सबको ओके मेरी आवाज आ रही है? यस यस मिस आ रही है। यस मैम। मैम थैंक यू। और आपने स्लोली स्लोली अपने माइक जो है वो ऑफ ही रखने हैं, ठीक है? सबने खिचड़ी नहीं बतानी। आप लोग पहले भी इस पे क्लास लेते हो तो आपको पता होगा कि कैसे हमने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है? यस मैम। ओके थैंक यू। सी आर और जी आर मुझे पार्टिसिपेंट देखकर बताएं, अगर कंप्लीट हो गए हैं तो मैं स्टार्ट लूं। नो मैम, मैं 50 तक जाते हैं। 48, 49, 55, 51 अभी तक। कितने हुए हैं? तो 32 मैम जी, 33। आपकी क्लास की टाइमिंग तो 2:10 है। आप लोग ऑनलाइन आने में भी कोई इशू है आपकी क्लास को? मैम 220 लोग समझते हैं, 220 लिखा हुआ है टाइम टेबल पे। अच्छा 220 लिखा हुआ है, ठीक है यस फिर 220 ही होगा, यस मैम, फाइन। यस मैम। और सब लोग खैरियत से हैं? यस मैम। यस मैम अल्हम्दुलिल्लाह। यस मैम, आपने मास्क नहीं लगाया मैम आज? बेटा मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ, मास्क मैंने क्यों लगाना है? मगर मैंने तो अभी लगाया मैम, आप कह रहे थे ना 120 पर अमल करना है। बेटा घर में तो आप अकेले खेले हैं ना, अभी आप लोग भी खेले हैं, मैं भी खेली हूँ। जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो फौरन लगा लेते हैं, लेकिन अभी तो हमें जरूरत नहीं ना। अभी ये तो हम ठीक हो सोशल गया? ठीक डिस्टेंसिंग पर हैं, ऐसा है कि नहीं है, है? SOPs में से यस हम फास्ट। बिल्कुल सही हाँ हो गया। फिर मैं उतार देता हूँ मैम अब मास्क। हाँ जी, आप उतार सकते हैं, आप इजी रहे हैं क्योंकि आप अकेले हैं, कोई आपके पास नहीं है सच जहाँ से आपको ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है? जी ठीक हो गया ये मैम। ग्लासेस वाले बच्चे का क्या नाम है? मेरा सर मैम मोहम्मद यहिया। हाँ आपका मोहम्मद यहिया। अच्छा मोहम्मद यहिया, आप ठीक हो? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए मैम, या कैसी है? भी मैं भी ठीक हूँ। ये आपकी यूनिवर्सिटी की पिक्चर है? जी दैट्स ऐसे ही लगा गुड। लिया। थैंक यू। बहुत प्यारे लग रहा है मैम भाई। हाँ नो डाउट, सब बच्चे प्यारे हैं माशाल्लाह। वैसे खूबसूरत हाँ है। सही है, आप भी खूबसूरत ही हैं। सही है, सब खूबसूरत होते हैं। ब्यूटी क्या होती है पता है? खूबसूरती ब्यूटी वस्ती क्या होती नेचुरल है? ब्यूटी ब्यूटी प्लस है, कैमरे वाली ब्यूटी। नहीं, कैमरे वाली ब्यूटी नहीं, पर्सनैलिटी वाली ब्यूटी क्या होती इनर ब्यूटी मैम, है? हम एग्जैक्टली जिसका दिल खूबसूरत हो। यस हाँ मैम, इनर ब्यूटी देखनी चाहिए बंदे की। जी जी सही मैम, करेक्टर देखने चाहिए, करेक्टर। है। अब तो सभी मौलवी बन गए। सी आर प्लीज देखे, हो गई आपकी क्लास 10 कंप्लीट? नो मैम, अभी 40 है मैम। लेते हैं सब लोग? यस मैम, 50 तक जाती है। 51। वेयर इज द जी आर? यस इज मैम। प्रेजेंट? यस अच्छा मैम। प्रेजेंट ही है, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताएं, यहाँ पे आप लोग के साथ स्लाइड शेयर की जाती है, कैसे पढ़ा रहे हैं ये लोग पहले जूम यस पर? मैम, स्क्रीन शेयर स्लाइड्स करके, स्क्रीन जी शेयर करते हैं और साथ साथ पढ़ाते हैं, और एंड पे क्लास के एंड या स्टार्ट पे, क्लास स्टार्ट होने से पहले स्लाइड शेयर करते हैं या अच्छा, एंड में। आज आपके लिए मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरी इससे पहले जूम पे क्लासेस नहीं होती रही हैं, हम लोग पहले व्हाट्सएप पे क्लासेस लेते थे पिछले सेमेस्टर्स में, जो हमें ऑनलाइन लेनी पड़ी। लेकिन अब सिर्फ कल मैंने ग्रुप में देखा है कि उन्हें लिखा हुआ था कि आप सिर्फ जूम पर और पता नहीं वो माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं ले सकते हैं। तो मैंने इसको अपनी उसके लिए तो यूज किया हुआ था वर्कशॉप्स के लिए, बट मुझे ऐसा खुद डिलीवरिंग का कोई वो आइडिया नहीं था। आज मैं, आप लोग ये समझ लें कि फर्स्ट टाइम मैं इसको आज यूज कर रही हूँ बाय कोई हैंड। इशू नहीं मैम, आप ना भी पढ़ाएं कोई मसला नहीं, मैम, पढ़ाना माजरा नहीं भी देते हैं है पढ़ना, कुछ नहीं होता मैम। बेटा, पढ़ाना तो है, पढ़ाने की छुट्टी नहीं हो सकती है। हाँ वो जो चीजें हैं वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आपके नोट्स जो होंगे ना मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। अदरवाइज पढ़ाने वाला काम ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, टीचर आए और पढ़ाए ना।
यस मैम, जैसे लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ाया था साफ साफ लिखवाती नहीं, वैसे हाँ वैसे ही आज लिखवाऊंगी, और यस उसके बाद मैम। इंशाल्लाह कमिंग क्लास जो हमारी ऑनलाइन होगी उसमें इंशाल्लाह आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगी। फाइन इंशाल्लाह ओके मैम, मैम लिखवाने का वाला ओके काम मुश्किल नहीं हो इंशाल्लाह। जाता ऑनलाइन? बेटा आपने लिखने वाला काम जरूर लिखना है, मुझे लास्ट के ऊपर आप लोगों का अभी भी चेक करना है वो, ठीक है? लिखने वाला काम छोड़ना नहीं है, और प्लीज ये ओके अपना आपका मैम, माइक जो है उसको थोड़ा होल्ड रखें, शोर शराबा नहीं करें। हाँ कितने हो गए हैं सीआर क्लास बच्चे? 44 मैम, 44 हाँ लिखा आ गया मैम, तो 4 मिनट वेट कर लेते हैं, 220 है लास्ट टाइम। जी बेटा मैं 220 पे ही स्टार्ट लूंगी। और आप लोग की अटेंडेंस कैसे मार्क हो रही है? मैम आप ले रहे अटेंडेंस ना साथ साथ वो मैं या? आपका नाम जो है वो रिकॉल यस मैम, करूंगी, यस और यस उस मैम, टाइम के ऊपर वही बच्चा मुझे अपना रिप्लाई बैक में नाम और एजी नंबर बताएगा, तो मैं उस पेज के ऊपर उसकी अटेंडेंस मार्क करूंगी। फाइन। यस मैम, यस वैसे ये पार्टिसिपेशन में मुझे दिख रहा है कौन कौन है, लेकिन वो स्पेसिफिक जो बोलता है तो आपको पता है हाईलाइट होने शुरू हो जाता है, ये बंदा है जीता जागता बोल रहा है। यस मैम, हाँ तो इसलिए आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं इसको गलत ऑपरेट कर रही हूँ अभी, नो क्योंकि मैं नो इस पे मैम, ट्रस्ट नो दे मैम, सही बहुत है अच्छा जी। ऑपरेट कर यस ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे गाइडलाइन दे सकते हैं, यस मैं पाइनियर हूँ ना इसके यूज में, तो इसलिए मुझे हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। यस मैम, ये जिस बच्चे ने अभी यस कहा है ये वो पराचा वाला बच्चा है, यस मैम, ये प्राचा वाला है। उनके नाम के साथ पराचा था तो मुझे याद है। वो एक पाउडर टाउन वाला भी था मैम। जी आपकी आवाज ब्लिंक हो गई, मुझे समझ नहीं आई क्या कहा आपने। मैम कह रहे हैं वापडा टाउन वाला भी आया था। वापडा टाउन नहीं है, वापडा सिटी है। इलाके ना गलत करो, मुझे जगह बहुत अच्छे से याद रहती है। अभी वापडा सिटी वाला बच्चा मुझे लगता है अभी आया ही नहीं है, यहाँ पे भी लेट है। मेरा मैम यस हाजिर मैम, हूँ, ट्रैफिक में फंसा एडमिशन हुआ अभी भी। नहीं, इनमें से कोई भी वापडा सिटी वाला बच्चा नहीं है। नहीं मैम, मैं हाजिर हूँ। अच्छा आप हैं ग्लासेस? हाँ ये वापडा सिटी की रोड्स हैं जहाँ पे आपकी पिक्चर बनी हुई है। एग्जैक्टली आई एम वेरी फेमिलियर फ्रॉम दिस सिटी, मैंने यहाँ पे ड्राइविंग सीखी थी आज से भी 4 साल पहले, तब इतना डेवलप एरिया नहीं था ये, बट मैम नाउ तो इसीलिए ऐसे मैंने अब वो मिनी पेरिस है, इसलिए मुझे फौरन याद था वापडा सिटी का आपने कहा था, तो मुझे फौरन से रिमाइंडर मिल गया। हाँ मैम, इन्होंने इसीलिए ड्राइविंग इधर सीखनी बैन कर दी। बैन कर दिया? मेरे यहाँ पे 4-5 क्लाइंट हैं अभी ना, मतलब मेरे पेशेंट हैं अभी यहाँ पर, आपके बहुत फेमिलियर लोग हैं, अगर मैं नाम लूंगी तो आपको फौरन से पता चल जाएगा, बट मैं लूंगी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल ले दे मैम, कोई मसला नहीं। आपके यहाँ यहाँ पे एक आर्किटेक्ट अंकल भी है ना भाउद्दीन के नाम से? मैम आर्किटेक्ट यहाँ पे काफी हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ जो प्रॉपर्टी बैठते डीलर हैं। में तो मुदस्सिर का नाम बहुत सुना हुआ है मुझे यहाँ पर, दाढ़ी सी वाले हैं। मैम वैसे नाम शाम मुदस्सिर मुझे हैं, नहीं याद है, गुलफाम, आपके बट एज का लो शायद उनका बेटा गुलफाम हाँ है, गुलफाम का पता है और मुझे, 3 बेटे हैं उनके। गुलफाम के। नहीं 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 गुलफाम के 2 भाई हैं, मुदस्सिर साहब के बेटे हैं ना ये तीनों, अच्छा, गुलफाम हरभदन का ने पता है कंवल। भाई। हाँ एक चट्ठा फैमिली भी आपके यहाँ यहाँ रहती है, जी बिल्कुल हसन और रहते हुसैन के नाम से, जी। मैम यू खैरियत है नो आपको, वैसे इतना पता। दैट इज माय फर्स्ट कजन, वो मेरे चचा है जो वही चट्ठा जो है। ओ अच्छा, कांग्रेचुलेशंस मैम। चलिए थैंक यू। मैम रिश्तेदारी निकल आई है? नहीं इसके साथ थोड़ी निकली है बेटा, मेरी पुरानी सी है, 2 20 हुए कि नहीं? हो गए अब एग्जैक्ट 220 नहीं मैम, अभी मैं ना। हो गया मैम, हो गया जी जी हो गए मैम, मेरी आवाज पे नहीं हुई है व्हाट? अभी तक 220। आपकी वॉच पे भी 210 नहीं हुए तो मेरी पे हो गए हैं जी। मैं अटेंडेंस स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज
द फर्स्ट वन है मोहम्मद बकार. मैम छोड़ गया. ओके फाइन थैंक यू. साद हसन. वेरी साद एब्सेंट है मैम. एब्सेंट है जी. सी आर जी आर डू यू नो अबाउट दिस? यस मैम. नहीं आया. एब्सेंट है या लेट स्टार्ट करना था? मैम अटेंडेंस थोड़ा बीच में. हाँ अटेंडेंस थोड़ा लेट होनी चाहिए ताकि आप लोग सो के उठ के आ जा सके ना. आपको ये बताती चलूं कि 2:20 का मतलब 2:20 है. सेम शेड्यूल होगा. 2:20 पे मैं अटेंडेंस स्टार्ट करूंगी और जितने भी मुझे इसके लिए मिनट्स लगेंगे वो लगते रहे बट मुझे अटेंडेंस लेना होगी. फाइन. और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि आप लोग जो है ना वो उसको करते रहे कभी कुछ कभी कुछ. ठीक है. तो साद हसन कौन है? एब्सेंट है साथ? यस मैम एब्सेंट है. ओके. मोहम्मद हसन रजा. हु इज मोहम्मद हसन रजा? आप हैं हसन जी? मैम व्हाट्स योर एजी नंबर? रिपीट करें इसको. 2018-AG-6274. ओके हसन ठीक है जी. नेक्स्ट स्टूडेंट है शेख मोहम्मद फाहद. प्रेजेंट मैम. अपनी एजी नंबर बोलें बेटा. 4 जी. 2020 AG 4469. ओके. बिलाल कुरम जी. प्रेजेंट मैम. बिलाल अपनी एजी नंबर 2020 AG 4470. ओके. मोहम्मद यहिया वहीद. यहिया वहीद. इजाज वहीद है मैम. मैम इजाज वहीद है. वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी जी. इजाज 4471. फोर फोर सेवन वन. ओके गुड. अब्दुल रहमान. प्रेजेंट मैम. 4472. ओके. मोहम्मद आकिब. यस मैम 4473. ओके. मोहम्मद अली रजा. अली जर मैम. मोहम्मद अली जर. मोहम्मद अली जर. यस मैम प्रेजेंट. अच्छा सॉरी बेटा आपका नाम थोड़ा गलत लिया गया. ओके. हरून अदरीस. आप लोगों ने अपने एजी नंबर जरूर बोलने हैं प्रेजेंट के साथ. 2020 AG 4475. ये हरून अदरीस है ना? यस मैम. ओके हरून. उसके बाद है मोहम्मद अबू बकर अहमद. यस मैम 4476. 4476. ओके. मलिक शाहजेब अली. प्रेजेंट मैम. 4477. 4477. ओके. मोहम्मद फैसल इशफाक. प्रेजेंट मैम. अच्छा जी. 2020 AG 4478. ठीक है. मुदस्सर इकबाल जी. मुदस्सर वेयर आर यू? मैम जी इसकी ना मुझे लीव का आया था. कह रहा था मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मुझसे नहीं ले जानी क्लास. कह रहा था मैम से क्या था. अच्छा जी. उसके बाद है नजीबुर रहमान. यस मैम प्रेजेंट. एजी नंबर 4480. ये जिस तरह से नजीबुर रहमान का नाम इस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बाकी बच्चों का वैसे क्यों नहीं आता? जिन्होंने वो अपनी पिक्चर नहीं डाली होगी ना पिक्चर नहीं की होगी तो उसका नहीं आएगा. जैसे अब आपकी पिक्चर आ रही है आप लोग एक काम करें इसके ऊपर सब स्टूडेंट्स अपनी पिक्चर जो है ना वो मेंशन करता है और अपने एजी नंबर और सारी चीजें जो है ना वो अपनी आईडी पे उस तरह से बना ले ताकि हम लोग के लिए थोड़ा आसान रह जाएगा. ओके. 15 फन है नजीबुर रहमान. मैम 84480. 4480 गुड. ओके. अशर साकिब. प्रेजेंट मैम. 4481. अब देखे ना इस अशर साकिब की सिर्फ मुझे वो डीपीसी दिख रही है
मुझे नहीं पता कि इसका नाम कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, बाकी सबका तो जैसे आता है, तो आपका क्यों नहीं आ रहा है? जी वही ना, इन्होंने पिक्चर रखे हुए हैं, सबने पिक्चर जिसने रखी है उसका नहीं आएगा, आपकी भी पिक्चर नहीं। मुझे तो शो हो रहा है मैम, मुझे तो शो हो रहा है, बोल रहे जॉन बेटा मुझे नहीं शो होता, इसलिए आप लोग कुछ ऐसा करें कि आप लोगों के नाम और एजी नंबर लिखा जाए जब आप लोग अपना बोलो तो, ठीक है? बाद में सेटिंग कर लीजिएगा, मुझे खुद भी नहीं आती तो आप भी सीख लीजिएगा अगर नहीं आती होगी तो। अशर साहब के अपने बोला है प्रेजेंट अभी, या आप ही है प्रेजेंट? प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट 4481 वाले हैं आप? नहीं नहीं, मेरा तो बीबीए का डिपार्टमेंट की तस्वीर। अच्छा बीबीए का डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। अब्दुल मोइस छोड़ गया मैम, छोड़ गया, इसने दो दिन तो अटेंडेंस लगाई हुई थी। नो मैम। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, ओके फाइन ओके। मोहम्मद नुमान प्रेजेंट मैम 4483। ओके मेरोज मुनीर प्रेजेंट मैम 4484। मोहम्मद उमेर, मोहम्मद उमेर इज एब्सेंट, सारी चुप हो गए। खैर मैम उसके नेट का मसला हो सकता है। अच्छा उसके नेट का मसला हो सकता है, मीन्स अभी आप कह रहे हैं मैं उसकी कुछ मार्क ना करूं। आकिब इखलाक प्रेजेंट मैम 4486। ओके मोहम्मद हमजा अल्ताफ प्रेजेंट मैम 4487। ओके रेहान अब्दुल्ला प्रेजेंट 4488। ओके मोहम्मद याया यस मैम 4489। ओके बेटा हारून तारिक, हारून तारिक जो है वो लास्ट थ्री क्लासेस से ऑफ पर है, टू क्लासेस पहले वाली भी नहीं। मैम छोड़ गया, ये छोड़ गया। अच्छा छोड़ गया है। मोहम्मद आतिफ प्रेजेंट मैम 4491। मोहम्मद आतिफ ठीक है बेटा। हमजा सलीम प्रेजेंट मैम 4492। ओके हमजा नूर पराचा प्रेजेंट मैम 4493। ओके इनाम मकसूद यस मैम प्रेजेंट 4494। ओके मोहम्मद समीउल्ला नदीम प्रेजेंट मैम 4495। मोहम्मद तैयब प्रेजेंट मैम 4496। 4496 Where is 4496? Okay. Adib Ahmed 4497 present. Okay. Zishan Ali 4498. 4498. Okay. Muhammad Azan Anbar Wavda City from present ma'am 4499. ओके उसामा गुलजार प्रेजेंट मैम 4500। ओके मोहम्मद अब्दुल्ला बिन तारिक प्रेजेंट मैम 4501। ओके अली रजा प्रेजेंट मैम 4502। ओके मोहम्मद असद अब्बास प्रेजेंट मैम 4503। ओके मोहम्मद अलहा present ma'am 4504. okay mohammad afan yes ma'am present 4504. ye dobara se gaadi wala bata raha hai present hai ma'am aapne pucha hi abhi ye jiski gaadi ki dp aa rahi hai ye bachcha pehle bhi bola tha present no ma'am abhi bolo ma'am abhi bolo Are you sure? आपने ऊपर नहीं बोला? Yes, ma'am, नहीं बोला। 9626. Okay. यहाँ पे कोई गड़बड़ है फिर। अच्छा आप बोले जी अनम फातिमा। Yes, girls, now your turn is started. अनम फातिमा। No. मिनाहिल फातिमा। मैं वो छोड़ गई है। छोड़ गई है। Okay. आयशा मसूद
प्रेजेंट मैम 4508। जिस तरह से ये आयशा का नाम सबको शो हो रहा होगा उनकी बॉल के ऊपर, इस तरह से मुझे कमिंग क्लास में सब बच्चों के नेम और एजी नंबर के हिसाब से वो शो होना चाहिए। मुझे आप लोगों की डीपीओ से कंसर्न नहीं है, मुझे आप लोगों के एजी नंबर और नेम से कंसर्न है। फाइन, आप लोग अपनी आईडी जो है वो अपने एजी नंबर से और अपनी जो है नेम के साथ शो कराएं, प्लीज ये वाला काम छोड़ दें। ठीक है मैम, डीपी से कोई इशू नहीं है बेटा। डीपी का मतलब हमें, मैं डीपी देखने थोड़ी ना आई हूँ, मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ और मुझे आप लोगों का कंसर्न चाहिए, ना कि डीपी को मुझे फोकस करना है। ठीक है, डीपी के साथ अगर आप लोगों का नेम और आप लोगों का वो एजी नंबर आ रहा है तो इट्स ओके, बट वो मस्ट शो होना चाहिए। डीपी इज नॉट आवर कंसर्न। डीपियां लगा लेते हैं सारे ताकि पता लगता रहे कौन कौन। हाँ जी, क्यों लगा लेते मैम? वो वीडियो नहीं ना किसी की ऑन होती है, इस वजह से मैम अपनी अपनी डीपी लगाई होती ताकि पता लग जाए कौन बच्चा है। अच्छा, लेकिन आप लोग उसके साथ अपना एजी नंबर और अपना नेम भी फिर मेंशन करें ताकि मुझे शो हो। जैसे अभी ये एक प्राचा वाले बच्चे की तस्वीर शो हो रही है, तो इसका साथ इसका एजी नंबर और इसका नेम भी तो आना चाहिए। वाइशा मसूद का अभी तक ऊपर में आ रहा है जबकि वो बोल के चली गई हुई है। ओके कहाँ से आये मोहम्मद उमैर 4485? मेरी लाइट ऑफ थी, मैं पैकी लगवा के आया। क्या करके आया? लाइट ऑफ, पैकी लगवाया मैंने अभी, लाइट ऑफ लगा दी है बेटा। ओके रिमशा 4510 प्रेजेंट मैम। अब रिमशा, हाँ देखा ना, ये रिमशा जैसे शो हुई है सेम हेयर, बाकी लोगों का भी ऐसे शो होना चाहिए। अस्मा, अस्मा प्रेजेंट मैम 4511। ओके अनीसा इजाज प्रेजेंट मैम 4512। ये देखें अब अनीसा को, आपको शो हो रही है सबको वॉइस और गर्ल्स? yes, नो मैम, मुझे नो मैम। अभी आप लोग बोलना शुरू हो गया, आप लोग चुप करें बस। आ रहे अनीसा, आप बोलने एक दफा फिर से दोबारा बेटा। यस मैम। ये देखें, ठीक है, अनीसा की आईडी के ऊपर उनका नेम और उनका एजी नंबर है आ रहा जो मुझे शो हो रहा है। ठीक है, सेम आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। ओके यस मैम, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ताकि इंशाल्लाह मैम नेक्स्ट क्लास में कर लें। ठीक है, प्रेजेंट मैम। ओके अफजा, गुड, आपका भी कुछ ऐसा सही है। मिशाल फातिमा प्रेजेंट मैम 4514। मिशाल, वेयर आर यू मिशाल? आपने क्या अपना एजी नंबर बताया? 4514। ओके आगे है जी फातिमा शौकत प्रेजेंट 4515। ओके हमी, ये कौन है? हमीदुल निसा, हमीदुल निसा सॉरी प्रेजेंट मैम 4516। वेरी गुड, आपका भी बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है। ठीक है, ओके अर्मेश प्रेजेंट मैम 4517। ओके अर्मेश। नूर मलाइका प्रेजेंट मैम 4518। ओके नूर, द नेक्स्ट वन इज आमना शकूर प्रेजेंट मैम 4519। ओके आमना, थैंक यू मैम। जी बेटा मैम, अनम की लीव है, अनम फातिमा की। मैंने बोला नहीं उसका नाम? यस मैम बोला है, लेकिन उसने क्लास नहीं ली, उसने भी बताया कि उसकी लीव है। अनम, अनम मुझे एजी नंबर बोलें प्लीज। मैम फर्स्ट पे नाम आता है उसका, गर्ल्स में। गर्ल्स में फर्स्ट पे है? यस मैम। जी आ गया, ठीक है, लीव है इनकी? यस मैम। ओके आज क्लास में दो बच्चों की लीव है, सीआर और जीआर सुन लें। 4479 मुदस्सर इकबाल की, yes, और इधर से अनम की है। ठीक है, 4506 ऐसे ही है ना? यस मैम। बाकी सब प्रेजेंट हैं। मैम आप सीआर से स्क्रीनशॉट मंगवा लिया करें ना, ऐसे तो टाइम काफी जाया हो रहा है। किस चीज का स्क्रीनशॉट?
ये अटेंडेंस का बेटा नहीं, मैंने खुद ही ले लिया है, हमने टाइम को क्या करना है, इंशाल्लाह जो मेरा लेक्चर है मैं पूरा कंप्लीट करके जाऊंगी, डोंट यू वरी मैम। आप पार्टिसिपेंट्स में चेक कर लिया करें जिसका मार्क्स जी, पार्टिसिपेंट्स में 45 शो हो रहे हैं मुझे, लेकिन जो है मैंने आपको पहले शायद अभी आप लोगों ने पता नहीं ज्वाइन किया हुआ था या नहीं किया था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आज की क्लास यू कंडक्ट कराना, ठीक है, तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा कॉन्शियस होके चल रही हूँ और आपके डिपार्टमेंट वाले मेरे से भी ज्यादा कॉन्शियस होके चलते हैं, मैं तो जो हूँ बस हूँ ही। ये ऊपर एक बच्चा था साद हसन, इज ही प्रेजेंट नाउ और नॉट जी सीआर? राबता तो नहीं किया इसमें, राबता नहीं किया, ओके एब्सेंट मार्क करी हूँ फिर इसका जी। तो आज का हमारा टॉपिक है, सब लोग अपने अपने जो रजिस्टर है उसको ओपन करें और उसके ऊपर लिखना शुरू करें, और मैं लास्ट के ऊपर सब लोगों का ये जो है अभी कैमराज ओपन कराकर तो चेक करूंगी कि आप लोगों ने क्या क्या लिखा एट द एंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है। अभी भी एक टॉपिक लिखवाने के बाद आपको कह सकती हूँ कि मुझे शो कराएं, और लास्ट पे भी कह सकती हूँ, तो आपको साथ साथ लिखना होगा, ओके। जो मुझे नहीं शो कराएगा उसकी बाद में मैंने अटेंडेंस जो है उसको अनमार्क कर देना है, क्योंकि पार्टिसिपेशन मुझे नहीं पता आप लोग कैसी करोगे, सो अभी से अटेंटिव हो जाओ, ठीक है। Okay, तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपकी कोर्स आउटलाइन में भी ये दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने अपनी कोर्स आउटलाइन वहां से ले ली थी, अगर नहीं ली तो मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इससे पहले भी आपके साथ शेयर हुआ हुआ है क्लास में कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता क्या है, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हमने एज अ ब्रांच भी पढ़ा है। पहले मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम पे हमने कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी, वो आप सबको याद है? जी मैम। उसमें कोई विपत्ति है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं लास्ट लेक्चर के हवाले से, अगर नहीं है तो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय लेक्चर। और ये जो लोग कह रहे थे बहुत टाइम लगा है, सिर्फ 15 मिनट्स लगे आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करने में, ठीक है, तो ये कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, फिजिकली हम इससे ज्यादा टाइम ले लेते हैं, ऐसे ही है ना? यस मैम। ओके तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ सब लोग। मैं फिजियोथेरेपी एक बार बता दूं बेटा, फिजियोथेरेपी तो था ही नहीं उसमें मैं, पर नोट्स में तो था। नोट्स में नहीं, मैंने वैसे वर्बलाइज किया होगा, वैसे आपको बोल के बताया होगा। फिजियोथेरेपी हमारी ब्रांच से बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच है, वो इस तरह से कि हम इसको जो है अपनी पट्ठों के लिए, अपनी हड्डियों के लिए, अपने जॉइंट्स के लिए जब किसी डॉक्टर से कंसर्न करते हैं और वो हमें मसाज के थ्रू और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जब हमें डील करता है तो वो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, ठीक है। खुदा न खासा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या दिल की चोट लग जाती है तो वो कवर नहीं कर रही होती है, तो उसको कवर करने के लिए आपको डिफरेंट मसाज की जरूरत है और आपको डिफरेंट टेक्निक्स की जरूरत है जो आप घर पे नहीं उसको टैकल कर पा रहे, तो आपको इस सिलसिले में किसी ना किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न करना पड़ता है, तो वो बंदा आपको हेल्प आउट करता है अपनी टेक्निक्स के साथ, ठीक है, समझ आ गई आपको? उसको बोलते हैं फिजियोथेरापिस्ट, ठीक है। हर हॉस्पिटल सेटिंग में एक फिजियोथेरापिस्ट होता है, डिफरेंट लोग जहाँ पे एक शेडो के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे, जैसे मैं अभी यहाँ पे यूनाइटेड में हूँ तो यहाँ पे भी दो फिजियोथेरापिस्ट बैठते हैं, एक मॉर्निंग में होती हैं और एक रात में होती हैं वो भी। तो इसी तरह से ये अम्ब्रेला जिसको हम हॉस्पिटल का नाम देते हैं, इसके अंदर सब टेक्नीशियन और सब जो है फिजिशियन और सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो दे रहे होते हैं, जिनके डिफरेंट टैग होते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, न्यूरोफिजिशियन है, जो भी आपने बोला फिजियोथेरापिस्ट है, तो ये सब जो है ये मेडिकल की ब्रांचेस हैं, ठीक है। ठीक है, फिजियोथेरापिस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? बेटा ये मैंने आपको पहले उर्दू में ही बताया था कि हड्डियों की मरम्मत वाला डॉक्टर, हड्डियों की तोड़ फोड़ की मरम्मत वाला डॉक्टर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसको क्या कहते हैं उर्दू में, शुरू से वैसे मैंने फिजियोथेरापिस्ट ही सुना है, तो बैठती है यहाँ पर एक बंदी फिजियोथेरापिस्ट, उनसे आज पूछूंगी कि आपको उर्दू में क्या कहते हैं। हाँ, हमें उर्दू में मारे नफ्सियात कहते हैं, और स्पीच पैथोलॉजिस्ट की जहाँ पर बात की जाए तो मुझे उसको पता है कि बोल चाल वाले डॉक्टर कहा जा सकता है, ठीक है।
बट लेकिन ये सूटेबल नहीं लगता टैग, इसलिए कभी मैंने उर्दू में कभी किसी को कहते हुए भी नहीं सुना। सब लोग स्पीच पैथोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही कहते हैं। तो सेम, मुझे वेरी सॉरी आपके आंसर के एग्जैक्ट नहीं पता मुझे इनको क्या कहते हैं, तो मैं आप लिख लेती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की तरफ। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग ऊपर देंगे अपने लेक्चर पे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल की स्पेलिंग क्या है? डी ई वी ई एल ओ पी एम ई एन टी ए एल, डेवलपमेंटल। और साइकोलॉजी की स्पेलिंग उस दिन बहुत से बच्चों के गलत थे, तो वो है पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई। ठीक हो गया, ये है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हमने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में भी पढ़ा था, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पहले सुना हुआ लफ्ज लग रहा है? यस मैम, पढ़ा था मैम। यस मैम, पढ़ा। तो हमने जब इसको वहां पे पढ़ा था तो उसमें हमने यही पढ़ा था, माइक म्यूट करें। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? तो तब भी आप लोगों को बताया था कि वो पर्सन जो हमारी थ्रोट लेके चल रहा होता है उसको, डेवलपमेंट को, बर्थ से लेकर टिल द टाइम ऑफ डेथ तक, और जो उसको मॉनिटर करता है वो पर्सन जो होते हैं वो हमारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, उनका क्या एम होता है कि खुदा ना खास्ता आपको लाइफ में कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी फेस करने को पड़ रही है तो आया उन्हें पता हो कि आपके जो बात के माइलस्टोन्स थे वो कंप्लीट थे या नहीं थे। ठीक है, तो सम टाइम एक बच्चा अडल्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं जाकर उसको एक टर्म बोली जाती है GAD, जिसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। कभी सुना हुआ आपने पहले के नहीं? ये एंजाइटी की ही एक टाइप है जो कि हमारे चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बच्चा अपनी इस एंजाइटी के साथ बता बेटा GAD की एब्रीवेशन है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। हेलो, वालेकुम सलाम। तो ये GAD जो है इसके साथ एक बच्चा अगर अपने प्रॉन पूरे क्या बोलिए बेटा, क्या क्वेश्चन है? मैम फुल फॉर्म दोबारा बोल दीजिएगा। बेटा इसका GAD जो है एब्रीवेशन है और इसकी फुल फॉर्म है जनरलाइज, किसी भी चीज को जनरलाइज करना। ठीक है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इस जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक बच्चा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, वो फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है, वो वेल्थ का स्ट्रेस हो सकता है, वो हेल्थ का स्ट्रेस हो सकता है, वो सिबलिंग का स्ट्रेस हो सकता है, व्हाटएवर, लेकिन वो स्ट्रेस इस फॉर्म तक चला जाए कि वो अपना उसको हैंडल ना कर पाए और वो किसी भी काम पर किसी भी जगह के ऊपर फेंट हो जाए। फेंट हो जाने का मतलब पता है ना, बेहोश हो जाना, और वो चीजों को अपने तरीके से लेकर ना चल पा रहा हो। ठीक है, तो ऐसे में इस पर्सन को डीलिंग के लिए अगर हम किसी थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएंगे तो वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होगा जो हमें बेहतर तरीके से बता सकेगा कि आया इसके बाद से ऑनवर्ड जो माइलस्टोन्स थे वो अप्रोप्रिएट थे या इनअप्रोप्रिएट थे। ठीक है, तो वहीं से हमें इनकी केस हिस्ट्री लेने में आसानी होती है। जब भी कोई पर्सन किसी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री टेकिंग की जाती है। पता है इस बात का आपको? नो रिस्पॉन्स? यस मैम। नो, तो उस हिस्ट्री टेकिंग में हमें स्टार्ट से बच्चे का नाम पता से लेकर उसने नेक होल्डिंग कब की है, उसने क्रॉलिंग कब किया, उसने क्रीपिंग कब किया है, उसे फर्स्ट वर्ड कब बोलना स्टार्ट किया, उसका इनिशियल वर्ड्स क्या थे, बैबलिंग थी उसमें या नहीं थी, या डायरेक्ट वो वर्ड्स के ऊपर चला गया। ठीक है, कि स्पीच के छोटे छोटे से टर्म्स हैं कि कुछ बच्चे आवाज करते हैं, कुछ बच्चे साइलेंट ही नहीं रहते हैं, लेकिन जब उनकी एज अप्रोप्रिएट बोलने के काबिल हो जाती है तो वो फर्स्ट से बोलना ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जबकि कुछ बच्चे अम बब लगे रहते हैं तो दैट इज कॉल्ड बैबलिंग साउंड्स। ठीक है,
तो ये सब चीजें जो है एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हमें बेटर बताता है कि इसको किस तरीके से लेके चला जा सकता है और इसके डेवलपमेंटल एरियाज आया पूरे थे या नहीं थे। तो डेवलपमेंटल एरियाज में हमारे पास जो है, सबसे पहले तो आप लोग लिखे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, रिपीट कर रही हूं प्लीज, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी that focuses on speed। ठीक है, ज्यादा रैपिड तो नहीं बोल रही? सही है, ठीक है, ठीक है, ओके, अगेन ठीक है मैम, बेटा ओके, थैंक यू। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन हाउ पीपल grow and change। रिपीट करिए दोबारा से, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज ओवर द हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज ओवर द कोर्स ऑफ आवर लाइफ टाइम। रिपीट करियो प्लीज, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी that focuses on how people grow and change over the course of our lifetime। complete ho gaya yes ma'am okay fine theek hai। ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, वो इसमें यही कह रहा है कि ये एक साइकोलॉजी की ब्रांच है जो फोकस करती है कि बंदा किस तरह से ग्रो कर रहा है और लाइफ के साथ साथ उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, तो हम जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं, या अगर हम बच्चे की ही बात करें तो एक बच्चा स्लोली स्लोली अपने बहुत सारे प्रॉन्स चेंज करता है, इसी तरह से हम लोगों की भी लाइफ के साथ साथ हमारे बॉडी चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, ये सब चेंजेस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चल रही होती हैं। फाइन, इसके साथ उसने कहा है जी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, लिख लें आप इसको भी, मे हेल्प पेशेंट्स। मैम ये सेकंड डेफिनेशन है, ये सेकंड लाइन है, वो कह रहा है, ये बताने लगा है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट किन किन लोगों के साथ डील कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं। तो लाइन ये है कि सम ऑफ मैनी इश्यूज, यहां से आप लिख लें, सम ऑफ मेनी इश्यूज दैट, रिपीट कर रही हूं, सम ऑफ मेनी इश्यूज दैट डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट मे हेल्प पेशेंट्स डील विद इंक्लूड्स, अगेन रिपीट कर रही हूं प्लीज, सम ऑफ द मेनी issues that developmental psychologists may help patients deal with includes। complete ho gaya sabka yahan tak? Ma'am ek baar dobara boliyega। sure, some of many issues that developmental psychologists may help patients deal with includes। yahan tak complete hai sabka? Yes, okay, fine. मैम includes का मतलब क्या है? Includes का मतलब अभी जो नीचे वाली lines है वो है जो आपको बताने लगी हूँ। First one including है इसकी motor skills development। अब इसको आपने points में लिखना है बेटा या bullets में लिख लें? ऊपर से बताया ना आपको मोटर स्किल डेवलपमेंट, मोटर MOTOR, मोटर स्किल SKILL और डेवलपमेंट DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। ठीक हो गया? ऊपर पहले उसने आपको बताया है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है और उसकी डेफिनेशन बताई है कि ये इन इन एरियाज को जो है वो कंसिडर करता है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि ये अब इन एरियाज के अलावा इसमें ये वाले एरियाज भी इंक्लूड हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन था मोटर स्किल डेवलपमेंट,
द सेकेंड वन इज अ लैंग्वेज एक्विजिशन. लैंग्वेज एल ए एन जी यू ए जी ई लैंग्वेज एक्विजिशन की स्पेलिंग है ए सी क्यू यू आई एस आई टी आई ओ एन लैंग्वेज एक्विजिशन. ठीक हो गया, ये दो लिख लिया आपने? जी मैम लिख लिया. मैम ये सेकंड पॉइंट था. जी बेटा ये सेकंड पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट है मोटर स्किल डेवलपमेंट एंड द सेकंड वन इज अ लैंग्वेज एक्विजिशन. मैम इसका क्या मतलब है? जुबान की तरतीब, जुबान जैसे बोलना स्टार्ट करती है, जैसे हम बोलते हैं लैंग्वेज की तरतीब के साथ के सबसे पहले हमने अम 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 स्टार्ट किया, फिर जैसे थोड़ी उम्र बड़ी हुई है तो हमने रैपिड बोलना स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन. कि हमने हर चीज विद हायरार्की स्टार्ट की है. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बच्चा बोर्न हुआ है तो वो पूरे पूरे अल्फाज आपके सामने बोलना शुरू करते, वो किसी ना किसी हायरार्की किसी ना किसी एक्विजिशन के बेस पे हम बोलना स्टार्ट करते हैं ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द एज डिफरेंस तो हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं. मैम नेक्स्ट पॉइंट बताएं. ओके जी, द नेक्स्ट पॉइंट इज अ इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशन से वर्ड निकला हुआ है इमोशनल, ई एम ओ टी आई ओ एन ई एल इमोशनल डेवलपमेंट. मैम ये उसी के पॉइंट्स हैं. जी ये सब उसी के पॉइंट्स है, जैसे चेंज होने होंगे मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी. ठीक है, पहला था मोटर स्किल डेवलपमेंट, दूसरा था लैंग्वेज एक्विजिशन, तीसरा है इमोशनल डेवलपमेंट. यस मैम. यहाँ तक लिख लिया सबने? जी यस मैम. ओके, द फोर्थ वन इज द इमर्जेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट. द इमर्जेंस, इमर्ज करना है किसी भी चीज को. इमर्जेंस की स्पेलिंग है ई एम ई आर G-E-N-C-E, emergence, the emergence of self-awareness and self-concept. It's a fourth point. Repeat kari hu points ko. Motor skill development is a first one. Language acquisition is a second one. Emotional development is a third one. And the fourth one is the emergence of self-awareness and self-control. Sorry, self-concept. Repeat kar liyo, please isko correct kar le, agar kisi ne likh liya hai. The emergence of self-awareness and self-concept. Ho gaye char poore aapke? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, panchwa likhe, cognitive development. Cognitive, C-O-G. N I T I V E. जो वर्ड आपको बेटा न्यू लगे, जिसका आपको मीनिंग ना पता हो, जिसकी आपको समझ ना हो, वहां पे आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं कि ये क्या बोल रही है, इसका क्या मतलब है. ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड थ्रू आउट लाइफ. मैम ये पूरा पॉइंट है बेटा, ये पूरा पॉइंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड थ्रू आउट लाइफ. ये पूरा सेंटेंस है. ड्यूरिंग चाइल्डहुड से मैम आगे क्या? सॉरी लास्ट पॉइंट रिपीट कर दे मैम. कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड थ्रू आउट लाइफ. मैम जी बेटा एक बार शुरू से पॉइंट रिपीट करिएगा. ओके, आप लोग जो ये जिसका माइक ऑन है प्लीज इसको ऑफ करें अपना माइक, सिर्फ क्वेश्चन के टाइम पे इसको ऑन करें. फर्स्ट वन पॉइंट रिपीट करी हूँ, फर्स्ट शुरू से सुने सब लोग. मोटर स्किल डेवलपमेंट इज अ फर्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ सेकेंड, emotional development is a third, the fourth one is the emergence of self awareness and self concept.
लिख लिया यहाँ तक सबने? यस मैम। यस मैम। द सिक्स वन है ये, 1 2 3 4 5 6 हाँ जी सिक्स वन लिखे जी, सोशल एंड कल्चर इन्फ्लुएंसेस। मैम सोशल एंड कल्चरल कल्चरल डिस्टेंसेस सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस वर्ड सुना होगा ना? यस यस मैम। यस मैम। इन्फ्लुएंसेस सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस on child development. Ji, likh liya social and cultural influences on child development? Yes, yes ma'am. जी मैम। नेक्स्ट वन इज द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सेवंथ पॉइंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैम सेवंथ पॉइंट रिपीट कर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। The next one is a moral reasoning. It's a 8th point. G. अभी जो बोल रहे हैं आपकी आवाज ब्लर हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, रिपीट करें प्लीज। 8th point is a moral reasoning. M O R A L R E A S O N I N G. जी यही आप कुछ पूछ रहे हैं? नो नो मैम, वो आपको तंग कर रहे हैं, ये बताना था आपको। कौन तंग कर रहे हैं? ये जो पूछ नहीं रहे, इन्होंने गलत नाम रखे हुए हैं तो ये तंग करते हैं। मुझे समझ नहीं आई कौन क्या बोला है। क्या हुआ जी बेटा? आपकी ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। और इसमें ये मत सोचें कि ये सिर्फ आपका एक फन टाइम चल रहा है, आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। इस वीडियो को, इस ऑल द थिंग्स को आपका पूरा डिपार्टमेंट देख सकता है। तो बी मेच्योर, आप लोग केजी के बच्चे नहीं हो, आपसे बेहतर क्लास तो जो है ना नर्सरी प्ले ग्रुप के बच्चे ले सकते हैं, आई होप सो। और मुझे नहीं समझ आई कहाँ पे मुझे किसी ने तंग किया, क्या किया। मेरी सारी नजर अपने नोट्स पर है और उसके बाद आप लोगों को सुन रही और बता रही हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो करें प्लीज। नो मैम। मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग तक लिख लिया आप लोगों ने? यस जी मैम। लास्ट पॉइंट लिखे आप लोग, डेवलपमेंट चैलेंजेस, सॉरी डेवलपमेंटल चैलेंजेस। डेवलपमेंटल चैलेंजेस एंड लर्निंग डिसएबिलिटीज। Developmental challenges and learning disabilities. यहां तक आपके ये पॉइंट्स फिनिश हो जाते हैं, मैं इनको वंस रिपीट कर रही हूँ, सुन ले। मोटर स्किल डेवलपमेंट, लैंग्वेज एक्विजिशन, इमोशनल डेवलपमेंट, द इमर्जेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड थ्रू आउट लाइफ, social and cultural influences on child development, personality development, moral reasoning, developmental challenges and learning disabilities. सबका complete है यहाँ तक? Ma'am, yes ma'am, complete है। Show कराएं one by one, show कराएं अपने cameras on करके जो लिखा है आपने वो। Yes ma'am. I
बल्कि आप इस तरह से छोड़े, मैं खुद ही आपका नेम जिसका लूंगी वो बच्चा सिर्फ शो कराएगा, सबको कराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आमना शकूर दिखाएं, जो आमना आपने लिखा है वो मुझे विजुलाइज करा दें। आमना शकूर 2020-4519 इज शी प्रेजेंट हियर? यस मैम। आमना वेयर इज योर राइटिंग पैड? ओके गुड, थैंक यू। द नेक्स्ट वन इज अनूर मलाइका, वेयर इज नूर मलाइका? 4518 नूर मलाइका 2020 AG 4518 आर यू लिसन मी नूर मलाइका? ये 4519 का है, 4518 का है? ओके यस, इट इज 4517 अर्मिश, 4517 अर्मिश, अर्मिश शो योर राइटिंग पैड प्लीज। Is she there? Armish, are you listen me or not? Ji ma'am, ye. Where are you? Ye. You send me text? ओके कंटिन्यू करती हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, ये मोटर स्किल डेवलपमेंट जो है इसको एक्सप्लेन कर दें प्लीज। मोटर स्किल डेवलपमेंट में हमारे दो तीन तरह के मोटर स्किल्स डेवलपमेंट आती हैं, जिसमें फर्स्ट वन है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स। कभी सुना है ये वर्ड? ग्रॉस मोटर स्किल्स? नहीं सुना होगा। हमारे चलने फिरने से रिलेटेड जितने काम है वो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स करती हैं, जैसे कि चलना, उठकर बैठना, जो चीजें हमारे जॉइंट से रिलेटेड होंगी वो सब ग्रॉस मोटर स्किल्स के एरिया में आएंगे, ठीक है? और इसके अलावा है हमारे पास फाइन मोटर स्किल, एक अलग टाइप है, लिखने से रिलेटेड जो हमारी फिंगर मूवमेंट्स हैं, हम कहते हैं ना आप अपनी फाइन मोटर स्किल्स को ठीक करें। मैम रिफाइन बोला या फाइन बोला आपने? फाइन बेटा, FINE, फाइन। फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है? तो ये हमारी मोटर स्किल डेवलपमेंट के एरियाज में आती है सब चीजें, जिसमें हम ग्रॉस मोटर स्किल्स को लेते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स में बच्चे का चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये आएगा। और फाइन मोटर स्किल्स में हमारी फिंगर रिलेटेड मूवमेंट्स आएंगी, आया हमारी लिखने पढ़ने की सलाहियत जो है, लिखना सॉरी पढ़ना नहीं, लिखने की सलाहियत जो है, आया हमारे फिंगर्स हमारे साथ देती हैं या नहीं देती हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें फिंगर्स डेवलपमेंट में आता है, फाइन मोटर में आता है, ठीक है? इसके बाद है जी, वो कह रहा है कि दीज प्रोफेशनल स्प्रेड, ये सिर्फ आप सुन लें, दीज प्रोफेशनल स्प्रेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्विंग हाउ दीज प्रोसेसेस अकर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। आपको पता ही होगा ये सब चीजें एक नॉर्मल अम्ब्रेला के नीचे तो बिल्कुल सही होती हैं। लाइक मैं अपनी बात करूं, मैं आपकी बात करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अलबत्ता वो लोग जो थोड़े से आप कह लें कि किसी का माइलस्टोन्स डिले होगा या किसी ने अपना माइलस्टोन अप्रोप्रिएट वे में नहीं अचीव किया हुआ, तो उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो देखे जा सकते हैं, ठीक है? ओके। इसके बाद है जी, वो कह रहा है कि हम किसी भी डेवलपमेंट को फोर एरियाज में कंसिस्टेड करते हैं। लिख लें आप लोग ये चीज, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट मेनली फोकस ऑन फोर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट वन एरिया है फिजिकल डेवलपमेंट। उसमें व्हाट आर यू डूइंग बेटा? ओके द फर्स्ट वन इज अ फिजिकल डेवलपमेंट।
सेकंड वन इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड वन इज अ सोशल डेवलपमेंट एंड द फोर्थ वन इज अ इमोशनल डेवलपमेंट. लिख लिया आपने ये चारों? मैम रिपीट करने का लिए. फर्स्ट वन इज अ फिजिकल डेवलपमेंट, द सेकंड वन इज अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड वन इज अ सोशल डेवलपमेंट and the fourth one is the emotional development. ठीक है. मैम ये किसकी टाइप्स हैं? बेटा ये डेवलपमेंटल स्टेजेस की टाइप्स हैं कि हम किसी भी पर्सन की एक डेवलपमेंट के ऊपर जब फोकस करते हैं तो मेनली हमारे पास ये एरियाज जो हैं इलैबोरेशन में आते हैं. हम इन एरियाज के ऊपर फोकस करते हैं कि आया फिजिकली डेवलपमेंट में क्या होगा, कि उसने चलना फिरना उठना बैठना जो है वो सही टाइम के ऊपर स्टार्ट किया हुआ है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये चीजें होती हैं कि आया एक बच्चा अगर 4 साल का है तो 4 साल के बच्चे को कितनी चीजें आनी चाहिए. अगर हम फोकस करें 4 ईयर्स पर चले जाएं तो आप लोगों में से अगर किसी के घर में कोई भांजी कोई भतीजा व्हाटएवर कोई होगा तो 4 ईयर्स में बच्चों को कलर्स नेम अच्छे से आ रहे होते हैं, उसे अपनी सराउंडिंग्स का पता होता है, मामा पापा रिलेशंस का पता होता है, उसे अपनी बाउंड्रीज का भी पता होता है कि मैंने किस टाइम के ऊपर क्या चीज करना है और क्या नहीं करना है. ऐसे ही है कभी 4 ईयर्स का बच्चा देखा है? यस मैम. ओके जी मैम. मैम आपने फिजिकल बोल दिया, कॉग्निटिव बोल दिया, सोशल बोल दिया और फोर्थ वन एक बार रिपीट कर. बेटा इमोशनल. अभी किसने मीटिंग लेफ्ट की है? पहले 46 शो हो रहे थे अब 45 हो रहे हैं. नेट इशू होगा मैम किसी का? ओके ये 4 एरियाज आपने लिख लिए हैं. मैम जो लिखा वो ग्रुप में सेंड करना है? क्या करना है? ग्रुप में सेंड करना है? बिल्कुल भी ग्रुप में सेंड नहीं करना है. ये आपके अपने नोट्स हैं. मैं सिर्फ आप लोगों को चेक इसलिए करती हूँ आया आप लोग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो. ठीक है मैम आपने तो प्राइवेसी ऑफ कर दी है इसलिए ग्रुप में सेंड कर रहे हैं. किसने प्राइवेसी ऑफ कर दी है? आपने मैम. मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ. मैं कुछ नहीं इस वक्त ग्रुप को छेड़ रही. कहाँ पे प्राइवेसी ऑफ कर दी है? व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना साइकोलॉजी उसकी बात कर रहे हैं. व्हाट्सएप का ग्रुप बस पता नहीं किस कौन चला रहा है उसको इस टाइम. मैं तो नहीं चला रही. एक मिनट देख लेती हूँ. ये क्या उसका नाम है? वुमेन साइकोलॉजी सेक्शन. ह्यूमन साइकोलॉजी 303. प्लीज ये अपना वॉल्यूम बंद करें. जिसकी आइसक्रीम चल रही है उसको बंद कर दें. जी बेटा पूछिए क्या बोल रहे हैं आपको? आप वो एडमिन है ना तो वो आप बंद कर देना ग्रुप में क्योंकि मैसेज ना कोई कर सके. तो आप लोगों को खुद नहीं पता? आप लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी. बेबी हो आप लोग कि अब ये काम करना है अब ये नहीं करना. हाँ जी मैम ये कोई नाम चेंज करके आया हुआ है फेक अकाउंट से. व्हाटएवर करने दे जो करना है बेटा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा. मैं अपना काम कर रही हूँ बस. आप लोग मुझे ये बताएं आपने ये 4 एरियाज लिख ली हैं फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट. ओके हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. अब वो कह रहा है जी जिस तरह से अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की एग्जाम्पल देते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे वॉकिंग इज वन फिजिकल माइलस्टोन. लाइक चलना जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि चलना उठना फिरना जो है वो हमारे फिजिकल माइलस्टोन में आएगा. The most children achieve sometimes between the ages 9 and 15. 9 से 15 महीने की उम्र में बच्चे normally चलना start कर देते हैं. ठीक है. If a child is not walking or attempting to walk by 16 to 18 months, अगर एक बच्चा जो है वो अपनी walking milestone appropriate time पे नहीं ले रहा
तो देन उसके पेरेंट्स जो है वो कंसल्ट करेंगे किसी फिजिशियन के पास, तो वो भी डिटरमिन करेगा कि आप इसको किसी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो इसको असेस कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से कॉग्निटिव टास्क की बात की जाए, तो अगर एक बच्चे को 4 साल की 3 साल की उम्र में अपना नाम, अपने पेरेंट्स का या इस तरह की चीजों का नहीं पता चल रहा, तो सम हाउ उसकी असेसमेंट की जाती है और पता लगाया जाता है कि आया इसको कॉग्निटिव कोई लेग तो नहीं है, इसकी जहनी सलाहियत तो पूरी है ना समझने की, और ये फिर क्यों नहीं चीजों को समझ रहा, वहां पे हम उनकी कॉग्निटिव असेसमेंट को कंडक्ट कराते हैं। सोशल की बात की जाए, तो वो बच्चे जो सोशली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, एक वैसे ही हमारे समाज में 2-3 तरह के बच्चे पाए जाते हैं, जो कि बहुत, एक तो है बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, दूसरे जरा कंजर्वेटिव से होते हैं कि किसी के साथ खेल लिया, किसी के साथ ना खेला, और तीसरा बिल्कुल ही मामाज चाइल्ड होता है कि वो ऑल द टाइम मामा के पीछे पीछे, मामा के साथ साथ, ठीक है। तो इससे हटकर एक स्टेज ऐसी आती है जो अपने सिबलिंग के साथ भी नहीं खेल रहे होते, बहन बहन के साथ भी प्ले नहीं कर रहे, अपने पेरेंट्स को भी वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और वो बिल्कुल एक अपनी जात में गुम बच्चा है। तो ऐसे बच्चे को सोशली और इमोशनली जो है वो उसको असेस किया जाता है, ठीक है, कि आया इसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद है जी हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आप लोग सब मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। जी मैम। यस मैम। जिसकी गली yes, में आइसक्रीम लाया हुआ है ना, वो तो बंद ही कर दे। एक्चुअली मेरे पास इस टाइम एक बच्चा भी अवेलेबल है जो कि आपकी आवाजों से बहुत फैसिनेट हो रहा है, जिसको आइसक्रीम बहुत अट्रैक्ट करती है, और वो बार बार आपकी आइसक्रीम से उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, जो टास्क मैंने उसको दिया हुआ है वो उसको नहीं कर पा रहा, इसलिए आपको कहती हूँ कि प्लीज अपनी आइसक्रीम जो है उसको बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। यार घर शिफ्ट कर लो अपना। जी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप मुझे बताएं, यहाँ पे एक बच्चा है मोहम्मद साद हसन। साद अभी एब्सेंट था, आया दोबारा वापस कि नहीं? मैम वो पबजी खेल रहा है। क्या क्या खेल रही हो बेटा? मैम ये हमारी क्लास में से नहीं है, तंग कर रहे हैं आपको। मैम ये लड़की है कोई। अच्छा बेटा रहने तो, क्या किया जा सकता है, लड़की है तो आप इसको। फेक आईडी से आई मैम। फेक आईडी वालों को भी कोई ना कोई कंट्रोल करने का होता होगा सीन में, पूछती हूँ किसी से, डोंट यू वरी, फिर आप मुझे बता दें। मैम रिमूव कर दे, रिमूव कर दे। आप उनको किक कर सकती हैं मैम। किक कर दे। ये मैंने कर दिया है, मेरे ख्याल ये मामा की बेटी है ना। यस सर। यस हो गया, ठीक हो गया, कर दिया है मैंने रिमूव। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, आप लोग बच्चे नहीं हो, अगेन एंड अगेन। मेरी छोटी सी भांजी है ऑलमोस्ट 5.5 ईयर्स की, वो भी ऑनलाइन क्लास लेती है, लेकिन शायद वो भी बच्चे हैं इसलिए उनको ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं आते हैं। तो बच्चे बड़े अच्छे से लेते हैं क्लास, ऐसा नहीं है जैसे आप लोग बिहेव कर रहे हो, सॉरी टू से। मोहम्मद हसन रजा आप मुझे अपना शो कराएं जो आपने लिखा है वो। जी मैम। 6274 वेरी गुड, अब आपका लिखा हुआ आ रहा है। चले शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू। उसके बाद मुझे चेक कराएंगे जी अयाज वहीद। अयाज आप चेक कराएं बेटा, आपने क्या लिखा है अभी तक। अयाज आर यू देयर? अयाज वहीद आप मुझे सुन रहे हैं कि प्रेजेंट भी हैं कि नहीं, चले गए हैं, बाय बाय कह दिया था मुझे कहीं पहले ही। जी अयाज वहीद आर यू देयर? कोई भी नहीं, बोलना है। यस मैम क्लास में नहीं है अयाज वहीद मेरे ख्याल में। अच्छा इसकी एब्सेंट मार्क कर रही हूँ, दबा रहिएगा कि मैडम ने सवाल पूछा था और यार साहब हाजिरी लगवा कर निकल गए थे। yes, मैं, हो गया? मैं गवाह हूँ। अच्छा थैंक यू भाई आपके गवाह होने का। ओके नेक्स्ट
मोहम्मद आकिब शो मी योर क्लास वर्क. यस मैम अभी दिखाता हूँ. अच्छा ये आइसक्रीम आपकी गली में आया हुआ है. हाँ जी जी लैपटॉप पर क्लास ले लो ये देख. अच्छा ठीक है ओके थैंक यू सही है ओके जी. उसके बाद है हारून अद्रीस. यस मैम मैं दिखाता हूँ. हारून बेटा अपना काम चेक कराए. जी हारून वेयर इज योर वर्क. हारून हमें आप नजर नहीं आ रहे. आपका काम नजर नहीं आ रहा बेटा. एक मिनट मैम वो पीछे फिल्टर लगे हुए मैं हटा दूं. एक मिनट ओके थैंक यू जी. नजीबुर रहमान 4480 4480 नजीबुर रहमान. यू आल्सो लेफ्ट द क्लास मे बी Okay. नहीं मैम क्लास में ही है मुझे लगता है. इधर उधर हो गया. इधर उधर हो गया सो गया. ओके अशर साकिब 4481 यस अशर शो मी योर वर्क बेटा. नाउ योर क्लास पार्टिसिपेंट्स इज ओनली 43 और जब अटेंडेंस मार्क की थी तो इट्स 46. मैं आपके डर से जाई जा रहे हैं. बेटा शो नहीं हुआ आपका काम मुझे. अशर मम्मी शो नहीं हो रहा. नो अब आया. ओके थैंक यू. मोहम्मद आतिफ 4491 माजी बंद कर दे. जी मैम वेयर इज योर वर्क बेटा. मैं चैट में सेव कर रहा हूँ. क्या मैं वर्ड पे लिख रहा हूँ वर्ड पे. अच्छा अच्छा ठीक है ओके फाइन. हारून तारिक वो तो छोड़ गया. अच्छा छोड़ गया. हमजा सलीम यस मैम. रिजीव होमवर्क बेटा. मैं शॉप पे बैठा हूँ लेकिन मैंने लिखा जरूर है. बस जैसा भी लिखा आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा. श्योर बेटा मेरा कंसर्न बिल्कुल ये नहीं है कि आप लोगों का डिलीट नहीं करी कोई गलत रिमार्क्स है. मेरी सिर्फ मैं क्लास की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाह रही हूँ. इसलिए आप टीम पर भी बैठे हुए आप मुझे अपना होमवर्क सिर्फ शो करा दें. मुझे बाकी कंसर्न नहीं है. आपने लिखा नहीं है कह रहे हो सुन रहे हो ये बताया. नो मैम मैंने लिखा एक मिनट. ठीक है थैंक यू. ओके मोहम्मद मैम आपने मेरी बहन को निकाला. आपको चिंकी है मैं आपको बताती हूँ. यस मैम ये देखें शो हो रहा है. वालेकुम अस्सलाम. भेजने से पहले मुझे बताना.
गुड याया, थैंक यू। यस सॉरी याया, थोड़ा लेट आपका, थैंक यू। कोई एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में। जी जी कोई बात नहीं, आई नो स्टाफ आ गए की बात करने के लिए। मोहम्मद अफान लीव पर है और प्रेजेंट? नो मैम प्रेजेंट। सॉरी बेटा, इस दिखाएं काम चेक कराएं। मैम आपने मेरी एब्सेंट लगाई हुई है। मैं चेक करा देती हूँ, वेरी सॉरी, नहीं लगाई हुई। आपसे नीचे वाला बच्चा जो है ना, अनम फातिमा, वो है लीव पर, तो इसलिए वो मेरे से बोला गया आपका नाम, अदरवाइज मैंने प्रेजेंट लिखा हुआ है। आई विल शेयर दिस विद यू। ओके, वैसे यकीन है, शर्म तो नहीं आ रही, आपको कहना चाहिए ठीक है मैम, आपने जो कह दिया वैसा ही है। ऐसे बेशरम बच्चे आगे से कह रहे हैं ठीक है मैम, मैं कह रही हूँ मैं आपको सेंड करती हूँ, आगे ठीक है मैम। मीन्स आपको टीचर्स पे भी ट्रस्ट नहीं बेटा। मुझे टेक्स्ट करे, मैं आपके आईडी पे सेंड कर देती हूँ आपको, ये ना। नो मैम, कोई मसला नहीं। नहीं तो मैं भी आपको शो करा देती हूँ जैसे आप लोग करा रहे हैं। यू वांट टू कम नाउ मैम? रहने दें, कोई बात थोड़ी देर बाद लाती हूँ, ठीक है जी। क्लास हम अब 15-20 मिनट की ब्रेक पे जाएं, 15 मिनट की ब्रेक पर ही, ठीक है? और वी कंटिन्यू आफ्टर दैट, ठीक है? मैम लिंक के रीजॉइन करना है, नया लिंक भेजेगी, इसी को ही रहने देंगे तो अच्छा नहीं होगा? मैम यही सही है। जी मैम यही सही है। आप इसको कैसे होल्ड करेंगे मुझे नहीं पता, म्यूट कर छोड़ें। जी म्यूट कर लेते हैं, 15 मिनट के बाद आ जाइएगा। टाइम हो रहा है 3:23, आप लोगों ने 3:45 पे वापस आ जाना है। ओके मैम। ओके ओके, इसी को प्लीज आप लोगों ने अपना अपना वॉल्यूम बंद करके जाइएगा ताकि मैं भी अपना करने वाला काम 15 मिनट में कर लूं। ग्रुप में मैसेज कर देना ताकि पता लग जाए क्लास स्टार्ट होगी। 3:45 पे रिजॉइन करेंगे आप लोग क्लास को। वालेकुम सलाम, भेजिए पेशेंट को प्लीज। ओके मैम। अरे डोंगर, लिख लिया आपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट? यस मैम। यस मैम। एज यू माइट इमेजिन, डेवलपमेंट साइकोलॉजी सिर्फ सुन लें। As you might imagine, developmental psychologists often break down development according to various phases of life. Each of these periods of development represents a time when different milestones are typically achieved. इसमें उसने यही कहा है कि हर development का जो है वो अपना अपना time होता है in life के एक phase में, और उसके according ही जो life है वो दोबारा से rebuild होती है और अपनी एक achievement जो है development की complete होती है तो next one फिर आती है, ठीक है? उसमें सबसे पहले फर्स्ट वन है प्री नेटल डेवलपमेंट, स्पेलिंग लिख लें PRENATAL, प्री नेटल डेवलपमेंट। मैम
मैम क्या बोल रहा है? प्रीनेटल डेवलपमेंट बेटा, PRENATAL, प्रीनेटल डेवलपमेंट। ये प्रीनेटल डेवलपमेंट जो है वो कंसेप्शन से स्टार्ट होती है और 9 months तक रहती है। लाइक कंसेप्शन, जब आप जब किसी को भी फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वहां से लेकर 9 months टिल द टाइम ऑफ द बर्थ तक की जो ड्यूरेशन है इसको हम बोलते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट। इसके हेडिंग में आप लिख सकते हैं कंसेप्शन टू बर्थ। कंसेप्शन के स्पेलिंग है CONCEPTION, कंसेप्शन टू 9 months। इसका आप इनर मटेरियल जो है वो आप सुन लें और समझ लें। द प्रीनेटल डेवलपमेंट इज ऑन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट हु सीक द अंडरस्टैंड हो अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट कैन इंपैक्ट लेटर ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड। साइकोलॉजिस्ट ने लुक एट हाउ प्राइमरी रिफ्लेक्सेस इमर्ज बिफोर बर्थ, हाउ फिटस रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन द वोम, एंड द सेंसेशन एंड परसेप्शन दैट फिटस आर कैपेबल ऑफ द डिटेक्टिंग पीरियड टू द बर्थ। Developmental psychologists may also look at the potential problems such as Down syndrome, maternal drugs users, and inherited diseases that might have an impact on the course of the future development. ये सारा पैराग्राफ जिसको मैंने पढ़ा है उसकी शॉर्ट समरी ये है कि प्रीनेटल डेवलपमेंट जब बच्चा जो है वो माँ के पेट के अंदर होता है तब से ही चीजें जो है डेवलपमेंट में आना स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चे के अज़ा बन रहे होते हैं, दिमाग बन रहा है, नर्वस सिस्टम बन रहा है, ठीक है। ये सब चीजें जो है अगर एक हेल्दियर वे में अटेन की जाती हैं तो वो एक आने वाले बच्चे के लिए बहुत बेहतर है। और अगर वही वाला टाइम जो है वो खुदा ना खास्ता किसी फीमेल का स्ट्रेस में गुजरता है, कोई माइलस्टाइन जो है माइलस्टोन उसके इंटरनल वॉर्म कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, या कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसपे उसके क्रोमोसोमल इशू आ जाता है तो बच्चा खुदा ना खास्ता डाउन सिंड्रोम हो जाता है या अदर वन इश्यूज उसको फेस करने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारे पास प्रीनेटल डेवलपमेंट में फॉल करती हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग समझ आ गया आपको? यस मैम।
अर्ली चाइल्डहुड क्या बात हो रही है तो ये पीरियड जो है वो 2 साल से लेकर 6 साल तक के ड्यूरेशन में अपॉल करता है. ठीक है. द पीरियड फॉर्म इन ये सुन ले आप, मैं आपको वर्बलाइज करके बताती हूँ फिर आप इसको देख लीजिएगा. द पीरियड फॉर्म इन इन्फेंसी थ्रू आउट अर्ली चाइल्डहुड इज अ टाइम ऑफ रिमार्केबल ग्रोथ एंड चेंज. डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट लुक एट थिंग्स सच एज फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल ग्रोथ एंड टेक प्लेस द क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन एडिशन टू द प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन फॉर पोटेंशियल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इज एट द पॉइंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट आर also focused on helping kids achieve their full potential. Parents and healthcare experts are often on the lookout to ensure that kids are growing properly, receiving adequately nutritionists and achieving cognitive milestones appropriate for their ages. इस पूरे पैराग्राफ में अगेन वही बात रिपीट की हुई है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इसमें लगे रहते हैं कि वो बच्चों के कॉग्निटिव माइलस्टोन्स के साथ साथ उसके फिजिकल प्रॉम्प्ट्स को देखते रहें और पेरेंट्स के साथ मिलकर उनकी न्यूट्रिशन पर भी फोकस किया जाए ताकि बच्चे की ग्रोथ जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर हो जाए और उसमें कोई फॉल्ट ना रह जाए. ठीक है. अब 2 साल से 6 साल के बच्चे के बारे में मुझे बताएं कैसे आपको पता चलता है कि वो उसके माइलस्टोन पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. गिव एन एग्जाम्पल. उस पौन नहीं मारो टेबल को. यस क्लास आपसे एग्जांपल पूछी है. सोने को नहीं कहा. कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज. 2 साल से 6 साल के बच्चे के बिटवीन हम कौन कौन सा चेंज फील कर रहे होते हैं. कोई सी भी एक कॉग्निटिव की एग्जांपल दें, फिजिकल की एग्जांपल दें, इमोशनल की दें एंड सोशल की दें. इससे पहले मैं आपको दे चुकी हूँ. मैम बोलने में फर्क आ रहा होता है, चीजों को सोचने समझने की स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है और उसके चलने का फिजिकल में देखें तो पहले वो क्रॉलिंग करता है लेकिन 2 से 6 साल की उम्र में वो ठीक से चलना शुरू कर देता है. उसकी स्पीच में जरा क्लैरिटी आ जाती है और सोच समझ में भी फर्क आ जाता है क्योंकि इसी मतलब के एरा में जो है वो पढ़ना लिखना सीखता है तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट जो होती है वो इसी में से शुरू होती है. बिल्कुल स्टार्टिंग भी मैम पहले वो रोता है हर बात पे, लाइक उसको अगर किसी चीज का भी साइन देना है अगर उसको भूख लगी है तो पहले रो रो के करता है लेकिन जब उसको थोड़ी बहुत समझ आ जाती है लाइक 2 से 6 साल की एज में तो फिर वो डिफरेंट तरह की चीजें करके समझाता है. ओके गुड. और यस क्लास सोशली क्या चेंज आता है ये किसी ने बताया. मैम वो आज वो स्कूल जाना शुरू हो जाता है मोबाइल चलाना आ जाता है. वेरी गुड. ठीक है. उसको अपने मोबाइल चलाना तो बाद की बात है बेटा, उसको अपने फ्रेंड्स बनाने आ जाते हैं. ठीक है. इस एज में फ्रेंड्स की इंटीमेसी बहुत ज्यादा सोशल डेवलपमेंट में वो फ्रेंड्स बनाते हैं बहाने बनाने आ जाते हैं बहाने बनाने आ जाते हैं और नखरे भी करना शुरू हो जाता है. नखरे तो पैदाइश ही शुरू हो जाते हैं बेटा. So, समझ के means के उसको अपना cognitive कुछ लाना आ जाता है. That's a good point. और self-help में क्या हो changes आ जाती हैं? 2 से 6 साल के बच्चे के अगर हम देखा जाए तो उसके सेल्फ हेल्प चेंजेस क्या होंगी बेटा. शुरू कर देता है कि बात की गहराई को समझना, उसके पहलुओं को एस्पेक्ट्स को समझना शुरू कर देता है कि ये चीज ऐसे नहीं है ऐसे है और ये मैंने ऐसे करनी है.
एक मैनर्स को उनको पता चल जाते हैं कि रॉ फॉर्म से वो रिफाइन फॉर्म की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। वेरी गुड, ठीक है, बड़ी अच्छी टर्म बोली है, कहीं से देखकर बोली है, खुद ही से बोली है, ये दिमाग में आई है, बोल दी। शाबाश, गुड। और मैंने आपसे सेल्फ हेल्प की बात की है, मुझे उसका किसी ने नहीं बताया कि 2 से 6 साल के बच्चे की सेल्फ हेल्प डिमांड्स क्या हो जाती हैं, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, सेल्फ हेल्प में क्या चेंजेस आती हैं? सेल्फ हेल्प मैम वो खिलौने मांगता है, खिलौनों की डिमांड करता है ज्यादा। अच्छे जूते सेल्फ हेल्प क्या होगा? अपने अपने लिए चीजें डिमांड करेगा ना ज्यादा, खाना पीना उसमें आ जाएगा, उसमें ओढ़ना पहनना अपने तौर पर आ जाएगा। यस मैम, यस ठीक है, तो ये चीजें सब सेल्फ हेल्प एरिया में आती हैं। सेल्फ हेल्प को आप लोग क्या समझते हो, क्या है सेल्फ हेल्प एरिया? जी क्लास पार्टिसिपेट करें, बेशक रॉन्गली करें बेटा। सेल्फ हेल्प मैं वो बच्चे को समझ आ जाती है कि ये मैं हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। गुड, ठीक है, बट ये फिर सेल्फ हेल्प का पार्ट नहीं है, ये कॉग्निटिव का पार्ट है, उसको समझ आ जाना, कॉग्निटिव समझ में आता है, सेल्फ हेल्प में नहीं आता। अपनी मदद आप बच्चे को ये नहीं पता चल जाता कि उसने स्पून होल्डिंग कैसे करनी है, उसने जूता सही कैसे पहनना है, ये चीजें आती है या नहीं आती? शर्ट की सीधी साइड कौन सी है, उल्टी साइड कौन सी है, उल्टी चप्पल कौन सी है, सीधी चप्पल कौन Exactly, हाँ, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, ये सेल्फ हेल्प एरिया की बात ही है। यस मैम, उसको नहाना खुद आ जाता। ठीक है, अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल इमोशनल एस्पेक्ट क्या होंगे इसमें? हर वक्त रोता नहीं रहेगा वो, उसको पता होगा कि इमोशंस है मेरे, कब हंसना है कब रोना है। हम जब कोई प्यार से बात करेगा बहुत ज्यादा मतलब... जिद होती है या इस एज में, तो बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है, उसको तो हंसने रोने के इस एज में नहीं पता चल रहा होता। नहीं चलता पता, मुझे नहीं पता, नहीं पता चलता। 6 साल का बच्चा है वो आपसे रोकर समटाइम चीजें मनवा रहा होता है कि मुझे ये करना है। अभी 6 साल का बच्चा कोई है माइंड में तो उसको सामने रख के देख ले, अगर नहीं है तो उसके पेरेंट्स से पूछ के देख ले कि वो भी कैसा बिहेव करता है। बहुत दफा मैम ड्रामे करके भी बाद मनवा लेते हैं। हाँ, ड्रामे करके भी मानी जाती है बात, ये भी आपकी बात सही है। तो आप लोगों को मींस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या? आ गई है समझ? एग्जांपल देना नहीं आ रही मैम। समझ आ गई, समझ आ गई है। चलें, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड का क्राइटेरिया है 6 साल से 12 साल तक का, ठीक है। मिडिल चाइल्डहुड इस पीरियड, अब सुन ले आप लोग इसके पॉइंट्स। दिस पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय द बोथ फिजिकल मैच्योरेशन एंड इंक्रीज इंपोर्टेंस द सोशल इन्फ्लुएंसेस एज चिल्ड्रन मेक देयर वे थ्रू एलिमेंट्री स्कूल्स। बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं इस एज में, ठीक है, किड्स एलिमेंट्री स्कूल्स में। किड्स बिगिन टू मेक देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड एज द फ्रेंडशिप गेन कॉम्पिटेंसी थ्रू स्कूल वर्क and continue to build their unique sense of self. Parents may seek the assistance of a developmental psychologist to help kids with potential problems that might arise in the age, including social, emotional and mental health issues. 6 से 12 साल के बच्चे की बात हो रही है और मिडिल एज की बात हो रही है, ठीक है। पेपर में अगर आपको स्टेजेस का क्वेश्चन आता है तो अगर आप लोग अपने माइंड में इस एज के बच्चे रखेंगे तो आपको उसको सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज एडोलसेंस। इसी की स्टेज ही है अभी चलती हुई आ रही, ठीक है। हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की देखी है, जिसमें फर्स्ट वन थी प्रीनेटल डेवलपमेंट, सेकंड वन थी अर्ली चाइल्डहुड एंड द थर्ड वन इज अ मिडिल चाइल्डहुड।
फोर्थ वन इज एडोलसेंस. एडोलसेंस की स्पेलिंग है ए डी ओ एल ई एस सी ई एन सी ई. ठीक हो गया. अब एडोलसेंट पीरियड जो है वो हमारा टीनेजर्स में फॉर्म. ओके द फर्स्ट स्टेज इज अ प्रीनेटल डेवलपमेंट. सेकंड वन इज अ मुज्तबा के बच्चे. उठाओ कैप उसके सर से. द सेकंड वन इज अ अर्ली चाइल्डहुड एंड द थर्ड वन इज अ मिडिल चाइल्डहुड एंड द फोर्थ वन इज अ एडोलसेंस. ठीक हो गया. एडोलसेंट पीरियड जो है वो हमारा टीनेजर्स में आता है. 12 से लेकर 20 साल तक का क्राइटेरिया जो होगा उसको हम एडोलसेंट पीरियड बोलेंगे. द टीनेजर्स इयर्स आर ऑफन सब्जेक्ट ऑफ द कंसिडरेबल इंटरेस्ट. यहाँ पे आके हमारे इंटरेस्ट जो है वो कंसिडरेबल हो जाते हैं. ठीक है. हमारे एक्सपीरियंस जो है वो हम नए नए कर रहे होते हैं और चीजें नई नई फॉर्म हो रही होती हैं हमारे से. ठीक है. इसी एज में जाके आपकी थॉट की ट्रांजिशन हो रही होती है और इसी एज में हमारी थॉट रेपिटेशन जो है वो बहुत रैपिड मूवमेंट में होती है. साइकोलॉजिस्ट सेड लाइक एरिक एरिक्सन एक बंदे का नाम है, एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, वर स्पेशली इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट हर न्यू आइडेंटिटीज एज मेड एक्सप्लोर क्वेश्चनिंग ऑफ हो दे आर राउंड एंड वॉन्ट टू बी. इस एज में जाके बच्चे के माइंड में डिफरेंट न्यू न्यू टास्क और न्यू न्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब इस एज के बच्चे जब घरों में होते हैं ना वो ऑल द वक्त टॉकिंग टॉम बने हुए रहते हैं. मतलब पूछते रहेंगे, बोलते जाएंगे और एक्चुअली दे पीपल आर एक्सप्लोरिंग न्यू न्यू थिंग्स. ठीक है. वो कुछ भी कर रहे हो वो किसी ना किसी एक्सप्लोरिंग थॉट्स में ही होते हैं. इस एज को हम बोलते हैं एडोलसेंट पीरियड. एडोलसेंट के बाद हमारे पास आ जाता है जी अर्ली एडल्टहुड. अर्ली एडल्टहुड का एज का क्राइटेरिया है 20 से 40 साल तक. ओके अब अर्ली एडल्टहुड को पढ़ती हूँ. द पीरियड ऑफ लाइफ इज ऑफन मार्क्ड बाय फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप, फॉर्मिंग बाउंड्स, इंटीमेसी, क्लोज फ्रेंडशिप एंड स्टार्टिंग अ फैमिली आर ऑफन क्रिटिकल माइलस्टोन ड्यूरिंग द अर्ली एडल्टहुड. वो कह रहा है कि इस एज में जाके हमारे पास फैमिली बाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है. लाइक लोग शादियां करते हैं, न्यू शेल्टर्स मिलते हैं उनको. ठीक है. दोज हु कैन बिल्ड एंड सस्टेन सच रिलेशनशिप्स टेंड टू द एक्सपीरियंस कंडक्टेड एंड सोशल सपोर्ट व्हाइल दोज हु स्ट्रगल विद सच रिलेशनशिप्स मे बी लैक फीलिंग अलाइंड एंड लॉयली. कुछ लोग जो है वो नए नए रिश्तों में बन जाते हैं और वो अपने सोशली इन कल्चर्स के साथ लेकर चल रहे होते हैं उन रिश्तों को, तो वो रिश्ते उनके लिए स्ट्रांग बन रहे होते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो जहाँ पे कोई खुदा ना खासा मैरिटल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है या वैसे किसी में कोई अनबन चल रही है तो वहां पे रिश्ते जो है वो कमजोर हो रहे होते हैं डे बाय डे और वो लोग अकेले रह रहे होते हैं. पीपल फेसिंग सच इश्यूज माइट सीक द असिस्टेंस ऑफ द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू द बिल्ड योर हेल्दी रिलेशनशिप एंड कम बैक इमोशनल्स. कह रहे हैं कि इस एज में हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमें बताते हैं अगर खुदा ना खासा किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह से उनने अपनी सोशल और इमोशनल हेल्थ को लेके अपनी फैमिली के साथ लीड करना है. ठीक है. ये था अर्ली एडल्टहुड. आ गई आपको समझ इसकी? यस मैम. अर्ली एडल्टहुड का क्राइटेरिया क्या है? 20 टू 40 इयर्स. वेरी गुड. ओके सिर्फ यही है ये क्लास में और कोई नहीं है प्रेजेंट? सबसे फास्ट यही है. Fastest boy. कितने साल तक? 22 20 20 से 40 साल. ओके इसके बाद है जी हमारे पास मिडिल एडल्टहुड. ठीक है. मिडिल एडल्टहुड का क्राइटेरिया है 40 से 65 साल की उम्र का. मैम इससे आगे तो कोई नहीं है. इसके आगे भी है बेटा. टिल द टाइम ऑफ डेथ की बात आपने करनी है. मैम उसके बाद तो मोस्टली अब कब्र में जाता है बंदा. अभी भी चला जाता है. कब्र में जाने का कौन सा बेटा ड्यूरेशन है? कोई ड्यूरेशन नहीं है ना. हम किसी भी वक्त कब्र में जा सकते हैं. एक भी है ड्यूरेशन नहीं. मोस्टली मतलब 60 से 65 या 70 साल में इतने में चला ही जाता है बंदा. आजकल यही रेशियो बताई जा रही है. ठीक है. इसलिए कब्र वाला जो सीन है ना वो आगे जाके आएगा. वो भी आता है अभी. ओके मिडिल एडल्टहुड वाला क्या कह रहा है? द स्टेज ऑफ दिस टेंड टू सेंटर डेवलपिंग सेंस ऑफ पर्पस.
यहाँ पे जाके हम हर काम जो है वो सेंस ऑफ पर्पस से लेते हैं, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी. एरिक्सन डिस्क्राइब दिस एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, लाइक किसी भी चीज के साथ आगे आगे बढ़ना या स्टक हो जाना. ये दो से दो चीजें स्टेज में जरूर देखने को मिलती हैं, ठीक है. दोज हु एंगेज इन द वर्ल्ड, जो लोग अपने आप को इस वर्ल्ड में जो है वो मेंटेन रखते हैं और बिजी रखते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं लाइफ को. और जो लोग जो है वो स्टॉप कर देते हैं अपने आप को ये कहते हुए कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा कोई करियर नहीं है, तो वो स्टैग्नेशन में चले जाते हैं, स्टॉप लगा देते हैं. सम टाइम इस एज में जाके लोग बहुत सारे रिटायर्ड हो रहे होते हैं आपके पास घर में या कहीं रिलेशनशिप में, इधर उधर एग्जाम्पल्स होंगी, तो वो बंदे अपने आप को मजीद बूढ़ा समझना शुरू कर देते हैं और वो अपनी वर्थ खो देते हैं. हालांकि अगर वो जॉब पे जाते रहे तो वो अपने आप को कभी वो फील ना कराए, बट उनको लगता है कि हमने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर या हमारा जो था इस लाइफ में आने का पर्पज वो पूरा हो गया हुआ है, नाउ हम रेडी हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए, ग्रेवयार्ड में जाने के लिए. मोस्टली लोगों के पास ये बातें होती हैं, ठीक है. ये थी हमारी मिडिल एज. समझ आ गई, इसमें कुछ पूछना तो नहीं आपको? नो मैम. ओके, द लास्ट स्टेप ऑफ दिस टॉपिक इज अ ओल्ड एज, 65 टू डेथ, 65 साल से लेकर मरने तक का जो टाइम होगा उसको हम बोलेंगे ओल्ड एज का टाइम, ठीक है. लाइक 65 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, ओल्ड एज में फॉल करते हैं. द सीनियर ईयर्स आर ऑफन व्यूड एज अ पीरियड ऑफ पुअर हेल्थ, यहाँ पे जाके हमारी हेल्थ जो है वो पुअर होना शुरू हो जाती है. Yet many elder adults are capable of remaining activities and busy well into their 80s and 90s. Increased health issues concern mark the period of development, as some individuals may experience the mental declines related to the dementia and Alzheimer's diseases. इस एज में जाके बहुत सी लोगों को अल्जाइमर और डिमेंशिया जो है उसको फेस करना पड़ता. आपने देखा होगा कुछ लोगों को भूलने की बूढ़े जो हमारे होते हैं, दादी दादा ही लगा लें, तो इस अपने आखिरी वक्तों में जाके वो चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, ठीक है. उन्हें चीजें उस तरीके से याद नहीं रहती हैं. बच्चों के नाम, सबके नाम ले लेंगे, जिसको बुलाना चाह रहे हैं उसका नाम वो आखिर में कॉल कर सकते हैं. ऐसा कभी सुना है, कभी हुआ देखा है? नो मैम. आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है? नो नो मैम. इसलिए आपने नहीं देखा. मोस्टली घरों में जहाँ पे दादी दादा नाना नाना बूढ़े होंगे ना, वो अगर आपको बुलाना चाह रहे हैं तो आपको बुलाने से पहले उनने आपके जो बाकी बहन भाई ना उनके नाम कॉल करने, और एंड पे जाके आपका नाम उनके माइंड में आएगा कि आपका नाम तो ये है, वो आपको बुला रहे हैं. इस कॉमन एग्जांपल, जहाँ पे बूढ़े दादी दादा नानी नाना होंगे ना वहां पे ये कॉमन एग्जांपल है, ठीक है. तो एक्चुअली ये बिटर जो होती है हमारे पास डिस्पेयर होता है कि हम फीलिंग्स का जाके वहां पे एक रिग्रेट रहने लग जाता है कि ये लोग जो थे कभी जवान थे, फिर टीनेजर्स में भी रहे हुए हैं, अडल्ट फॉर्म में रहे हुए हैं, मिडिल अडल्ट में गए हुए हैं, फिर अपने जो है वो लास्ट पीरियड पे चल रहे हैं. और उस वक्त मोस्टली हम लोगों के माइंड में ये होता है, बल्कि जब छोटे होते थे तब ज्यादा माइंड में ये चीज होती थी कि जब बूढ़ा कोई होता है ना तो वो मरने वाला होता है. और ये चीजें तो अब आके हमने देखना शुरू की है कि बहुत अर्ली एजेस में डेथ्स हो जाती हैं और अब तो सडन डेथ्स हो जाती हैं, लेकिन हमारे वाले पीरियड्स में लाइक हमारे जैसे 90s की मेरी बर्थ है, तो इस एज में हम लोग यही सोचा करते थे कि जो बूढ़ा हो रहा होता है ना सिर्फ उसकी ही डेथ होती है, लाइक यंग लोगों की डेथ नहीं होती है. लाइक अगर हम 6-7 ईयर्स को मैं अपनी थिंकिंग आपके साथ शेयर करूँ तो मेरी उस वक्त ये थॉट्स होती थी, ठीक है. तो ये ओल्ड एज का जो पीरियड होता है इसमें एक साइकोलॉजिस्ट ने भी लिखा हुआ है कि इस एज में कभी भी जाके डेथ अकर हो सकती है विदाउट एनी रीजन, लाइक वो उसको आप अल्लाह का बुलावा कह लें वो हो सकता है, ठीक है. वैसे होता तो हर जगह पर अल्लाह का ही बुलावा है, वो जब भी बुलाएं इसको भी बुलाएं. ये हमारी थी जी आज की डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो पूरी हो गई हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्याजी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ये हमने जो पढ़ी है ये कौन सी स्टेजेस पढ़ी थी? ये फिजिकल की पढ़ी है, ठीक है, कि फिजिकली हमारे ऊपर कौन कौन से प्रोन आते हैं और कब तक जाके हम बूढ़े होते हैं. अब हम देख रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को. प्याजे एक राइटर का नेम है, एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, उसने अपनी जो है 4 स्टेजेस बताई हुई हैं. उन 4 स्टेजेस के आप लोग नाम और ड्यूरेशन पहले लिख लें. द फर्स्ट स्टेज इज अ सेंसरी मोटर स्टेज. सेंसरी मोटर इकट्ठा लिखा हुआ है, ठीक है. द सेंसरी मोटर स्टेज, स्पेलिंग रिपीट करी हूं, S E N S O R I
MOTOR ये इकट्ठा वर्ड लिखना है. द सेंसरी मोटर स्टेज इसका क्राइटेरिया है बर्थ से लेकर 2 years. द सेंसरी मोटर स्टेज एजेस है इसकी बर्थ टू 2 years और ये किसने दी हुई है प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं. लिख लिया क्लास? यस मैम. यस मैम. ओके द नेक्स्ट स्टेज द सेकंड स्टेज नेम इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज. इसको भी लिख लें आप PRE प्री और इकट्ठा लिखना है ऑपरेशनल OPERATIONL प्री ऑपरेशनल स्टेज. द प्री ऑपरेशनल स्टेज एज है इसकी 2 से 7 साल. ये 2 to 7 years तक में फॉल करता है. ये भी लिख लिया आपने? यस मैम. ओके द थर्ड वन इज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. कॉन्क्रीट CONCRETE द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. आज लगता मुझे ये टॉपिक पूरा नहीं होगा. द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 to 11 years. 7 से 11 साल तक की उम्र को हम बोलेंगे द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. एंड द लास्ट 4th stage नेम इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ये सब लफ्ज अलग अलग हैं. द फॉर्मल अलग है, ऑपरेशनल अलग है और स्टेज अलग है. द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लिख लिया बेटा? यस मैम. यस मैम. ओके ओके फाइन. अब आप लोग सुन लें फर्स्ट वन स्टेज में क्या होता है. ऑपरेशन स्टेज की ड्यूरेशन क्या है? और यू भी अप लिखे 12 एंड अप. ठीक हो गया. अब मैं पहली स्टेज को डिफाइन कर रही हूँ. सेंसरी मोटर स्टेज का क्राइटेरिया है जी बर्थ से लेके 2 साल तक. इसमें क्या क्या होता है वो कहता है. जो इन्फेंट होता है ना बेबी वो अपने गिर चीजों की मूवमेंट को पहचानना शुरू कर देता है. अब इस वक्त आप लोग अपने माइंड में 2 साल के बच्चे लाएंगे तो आपको इसको सब क्लियर होते जाएंगे. चिल्ड्रन लर्न अबाउट द बेसिक एक्शन सच एज सकिंग ग्रास्पिंग लुकिंग एंड लिसनिंग. बच्चे को अगर आप इधर हाथ हिला रहे हैं तो बच्चा उधर को देख रहा है. आप कह रहे हैं हेलो इधर देखो इधर देखेगा. उसको खाना का तरीका आ जाएगा, उसको ग्रास्प करने का तरीका आ जाएगा, उसको सुनने का तरीका आ जाएगा. Infants that things continue to exist even cannot be seen object permanent. उसको object permanence का पता चलना शुरू हो जाएगा. means के मामा बाबा की पहचान शुरू हो जाती है. ठीक है. They are separate beings from the people and objects around them. उसको objects का भी पता होगा मार्च जाऊं और उसको अपने separations का भी पता होगा कि कौन सी उसके around है और कौन सी नहीं है. उसको सब पता होता है. ठीक है. They realize that their act can cause things to happen in the world and around. उनको पता चल रहा होता है कि हम किस सर्कमस्टांस में हमें लेकर घुमाया जा रहा होता है. मीन्स उनको अपने कमरे की पहचान हो जाती है. उनको बाहर का पता चल जाता है. वो किसी के घर न्यू जाते हैं तो उनको उसका भी पता चल रहा होता है कि वो कहीं बाहर आया हुआ है. ठीक हो गया. समझ आ गई बेटा? Yes ma'am. The next stage is the pre-operational stage. Major characteristics and developmental changes आती हैं इसमें. Children being to think symbolically, picture representation object. Children को picture की का भी पता चल रहा होता है और object permanence का भी पता चल रहा होता है. Children at this stage to tend to the egocentric and struggle to see the things from the perspective of others. दूसरों की चीजें कौन सी है और उनकी चीजें कौन सी है ये भी उनको पता चल रहा होता है. While they are getting better with language and thinking, they still tend to think about the things in very concrete terms. चीजों को बोलकर कैसे लेना है और वो कहाँ कहाँ है ये भी उनको सिंबॉलिकली और थिंकिंग के साथ लैंग्वेज के साथ उनको साथ लेकर चलना उसकी फाउंडेशन करने का पता चल रहा होता है इस एज में. द थर्ड स्टेज इज अ कंप्लीट ऑपरेशन स्टेज. ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिंस टू थिंक लॉजिकली. यहाँ पे आके इवेंट्स का लॉजिकली पता चलना शुरू हो जाता है 7 से 11 साल की उम्र में. दे बिगिंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्सेशन. उनको कन्वर्सेशन के कॉन्सेप्ट का पता चल रहा होता है. ग्लास का पता चल रहा है, कप का पता चल रहा है, छोटे का बड़े का, ये सब चीजों की तमीज आ जाती है. चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये भी उनको पता चल रहा होता है. ठीक हो गया.
एंड द लास्ट स्टेज इज अ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज. एट दिस स्टेज, अब ये 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों की बात हो रही है. एट दिस स्टेज द एडोलेसेंट और यंग एडल्ट्स बिगिंस टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजनिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स. उनको अपनी प्रॉब्लम्स का और उसके रीजंस का पता चल रहा होता है कि कैसे ठीक हो सकती हैं. एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स का पता चल जाता है. टीनेजर्स को ये पता चल जाता है कि सोशल नॉर्म्स क्या है, इनके ऊपर हमने कैसे बात करनी है और कैसे बैठना उठना है. लॉजिकली जनरलाइज चीजों की स्पेसिफिकेशन और उनकी इंफॉर्मेशन अगर किसी बड़े से या किसी टीचर से लेनी है तो हम किस तरह से ले सकते हैं, ये सब चीजों का पता चल रहा होता है. ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है जिसका नाम है स्कीमास. कभी वर्ड ये सुना है पहले आपने, स्कीमा क्या होता है? नो नो नॉलेज दैट हेल्प अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. किसी भी चीज के बारे में आगाही रखना पूरी तरह से या उसके बारे में कोई नॉलेज है आपके पास वो क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड स्कीमास. ठीक हो गया. ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल स्टेजेस. 4:25 हो रहे हैं और हमें आज ये टॉपिक खत्म करना है. इन स्टेजेस के नाम लिखे सबसे पहले. ये साइकोसोशल स्टेजेस हैं. साइकोसोशल कट्ठा लिखेंगे PSYCHOSOCIAL साइकोसोशल. एरिक एरिक्सन ERIKERKSON. वालेकुम अस्सलाम, पानी तो भेजें प्लीज. एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट. सॉरी क्लास जी, समझ आ रही है आपको? यस मैम. रिपीट करके मैम. ये आपकी आवाज ब्लर हो रही है किसी की. मैम रिपीट. मैम आ रही है आवाज. ओके, एरिक एरिक्सन की ना ये स्टेजेस हैं. इस ये एक राइटर का नाम है एरिक एरिक्सन. इसने हमारी साइकोसोशल डेवलपमेंट के ऊपर 8 स्टेजेस बताई हैं. ठीक है, उन 8 स्टेजेस का एज के हवाले से भी बताया हुआ है कि कब कब वो आती हैं और कब कब गायब होती हैं, तो वो सब मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ. फर्स्ट वन है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. ठीक है, ट्रस्ट लिखकर VS लिखेंगे और फिर मिसट्रस्ट लिख लेंगे. इसमें क्या है, इसका एज का क्राइटेरिया है 1 ईयर. लाइक बर्थ से लेकर 1 ईयर का जो टाइम पीरियड होगा ना, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. वो ये कह रहा है कि इन दिस फर्स्ट ईयर but babies depends completely on adults basic needs such as food comfort and warmth. अब आप खुद देख लें कि 1 साल के बच्चे को इन्हीं चीजों के साथ सरोकार होता है ना, या उसको इनसिक्योरिटी होती है कि उसके पेरेंट्स के साथ नहीं है, अगर उसका केयर गिवर कोई और है या वो किसी से तंग हो रहा है तो उसको ये इनसिक्योरिटी हो सकती है. ठीक है, ये थी हमारे पास स्टेज 1 ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट. इसका क्राइटेरिया है 1 ईयर. क्लियर? यस मैम. यस मैम. ओके, द सेकेंड स्टेज इज ऑटोनोमी वर्सेज शेम एंड डाउट. इसका क्राइटेरिया है 1 साल से लेकर 3 साल तक. ऑटोनोमी AUTONOMY ऑटोनोमी वर्सेज शेम एंड डाउट. वो कह रहा है जी बिटवीन द एज ऑफ 1 and 3 टोल्डर स्टार्ट टू गेन इंडिपेंडेंस एंड लर्न स्किल्स सच एज टॉयलेट ट्रेनिंग फीडिंग एंड ड्रेसिंग देमसेल्फ. इस एज में जाकर उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है, उन्हें ड्रेस की सेंस आना शुरू हो जाती है, वो ज्यादा डिपेंडेंसी उनकी जो है वो स्लोली स्लोली रिमूव हो रही होती है. द थर्ड स्टेज इज अ इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट. ये 3 से 6 साल के बच्चे पर रहती है. बिटवीन द एज ऑफ 3 and 6 चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू कंट्रोल देयर इंपल्सेस एंड एक्ट इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल वे. If they can do this effectively, children become more self-confident. If they do not, they develop strong sense of guilt. वो ये कह रहा है कि जो 3 से 6 साल का ड्यूरेशन है इसमें बच्चे की कंट्रोल की इंपल्सिस बढ़ जाती हैं. ठीक है, उसको पता चल जाता है कि उसने कौन सी बात को होल्ड करना है और कौन सी बात जो है वो सबके सामने आपने कर देनी है. अगर तो वो उस इन सब चीजों को एक कॉन्फिडेंट वे में लेके चल रहा है और वो अपनी इंपल्सिस पे कंट्रोल कर रहा है, देन वो अपना जो है सेल्फ ऑफ कॉन्फिडेंस को गेन कर रहा है. और अगर खुदा ना खास्ता उसमें ये डेफिशिएंसी आ रही है तो देन वो अपना वेल्थ खो रहा है. आपको समझ आ रही है क्लास? यस मैम. वालेकुम अस्सलाम जी, आपको समझ आ रही है? यस सर.
Okay, the fourth stage is the industry versus inferiority. Mahad or Mujtaba, stop talking. जी इंडस्ट्री वर्सेज इंफेरिटी द फोर्थ स्टेजेस ठीक है इंडस्ट्री की स्पेलिंग आई एन यू एस टी आर वाई है और इंफेरिटी की स्पेलिंग आई एन एफ ई आर आई यू आर आई टी वाई लिख लिया आपने जी मैम यस यस मैम ओके फाइन बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 12 चिल्ड्रन repeat the peers in school and prepare to take an adult's role they tend to the stage the either sense of the competence and sense of inferiority is age mein jaake wo keh raha hai ki bachchon ko inferiority ka pata chalna shuru ho jata hai complex ka pata chalna shuru ho jata hai unhe apne role identification ka pata chal jata hai theek hai ab hum karte hain fifth stage ki baat usme kya hota hai identity versus role confusion 13 से 15 साल तक की उम्र में ये चीजें आती हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हिच इज अ पीरियड बिटवीन पुबर्टी एंड एडल्टहुड चिल्ड्रन ट्राई टू डिटरमिन देयर आइडेंटिटी एंड देयर डायरेक्शन इन लाइफ डिपेंडिंग ऑन देयर सक्सेसेस दे आइदर एक्वायर अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी और रिमेन अनसर्टेन अबाउट द रोल्स इन लाइफ समझ आ रही है आप लोगों को कि नहीं यस मैम आ रही समझ यस मैम समझ आ रही है अच्छा द सेवंथ स्टेज इज जनरेटिविटी सेल्फ अब्सॉर्प्शन इसका क्राइटेरिया है 40 से 65 साल की उम्र जनरेटिविटी मैम 6 वाला रह गई ओ माय गॉड वेरी सॉरी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन द सिक्स्थ स्टेज इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इंटीमेसी की स्पेलिंग है आई एन टी आई एम ए सी वाई इंटीमेसी versus isolation 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 in young iska age ka criteria hai 15 se 40 saal mam iska age duration ek baar pichhe आपको आवाज आ रही है जी आ रही yes, है मैम अच्छा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन लिख लिया आप लोगों ने यस मैम ये 15 से 40 साल की उम्र है ठीक है 15 से 40 साल की उम्र में ये एरिया क्राइटेरिया जो है फॉलो करता है इन यंग एडल्टहुड पीपल फेस द चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग इंटीमेट रिलेशनशिप यहाँ पे जाके आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ सकते हैं खुदा ना खास्ता कोई करियर नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपके रिलेशनशिप शैटर्ड हो सकते हैं फाइन द सेवंथ स्टेज इज अ जनरेटिविटी एंड सेल्फ एब्जॉर्प्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया था जे एन ई आर ए टी आई वी वी आई टी वाई जनरेटिविटी एब्जॉर्प्शन ए बी एस ओ आर टी टी आई वाई ये एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल स्टेजेस हैं ठीक है सेवंथ स्टेज है इसका क्राइटेरिया है 40 से 65 साल की उम्र इस 40 से 65 में क्या होता है जी एक मिनट अभी आपको बताती हूँ अच्छा ओके एज पीपल रीच मिडिल एडल्टहुड दे वर्क टू बिकम प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इसमें जाके बंदा प्रोडक्टिव मेंबर बन जाता है किसी भी सोसाइटी का ठीक है ये सीनियर आपने सुना होगा सीनियर सिटीजन है और इस तरह से यू लोगों की बात हो रही है ठीक है either through the parenting of the thoughts their jobs वो अपनी jobs वो पूरी कर चुके हुए होते हैं अपना parenting भी पूरा कर चुके होते हैं अपने बच्चों को पाल के बड़ा कर चुके होते हैं if they fail they become over self absorbed अगर तो वो fail हो जाते हैं अपना ये काम करने में अगर उनसे ये काम task fulfill नहीं हुए होते time पर तो then वो बेचारे अकेले परेशान हाल में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं ना okay the next stage is integrity versus लास्ट स्टेज है जो 65 साल से आप जाएगी ठीक है इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर इंटीग्रेटिव की स्पेलिंग है आई एन टी ई जी आर आई टी वाई इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर डी ई एस पी ए आई आर इट्स अ लास्ट स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन इन ओल्ड एज
people examine their lives, they might either have a sense of contentment or be disappointment about their lives and fearful of the future. यहाँ पे जाके बंदा अपनी जिंदगी को एग्जामिन करता है कि उसने लाइफ में क्या खोया और क्या पाया है. अगर तो उसने कुछ अच्छा अच्छा किया हुआ है तो वो एक हेल्दियर अपना लास्ट पीरियड एंजॉय करेगा, अगर नहीं किया हुआ तो फिर वो परेशानी हो सकता है ना, फियरफुल हो सकता है. ये अकॉर्डिंग टू एरिक्सन बातें हैं, ठीक है. ये एरिक्सन की थ्योरी थी साइको जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है क्लास. यस मैम. ओके आप लोग जाग रहे हैं? यस यस मैम. आती है नहीं. ओके इसमें अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाते वक्त आपको स्कीमास की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, याद है? यस मैम. यस मैम. ओके स्कीमास के बाद है जी हमारे पास असिमिलेशन. कभी ये वर्ड सुना है आपने असिमिलेशन? नो मैम. हमारे पास जो पहले से इंफॉर्मेशन होती है ना उसमें और इंफॉर्मेशन जब ऐड की जाती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन. अब मैं इसको पढ़ के आपको बताती हूँ. हमारे पास जो ओल्ड वन इंफॉर्मेशन है उसमें जब हम न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? असिमिलेशन होगा. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन इन टू आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नाउन एज असिमिलेशन. Fine. The process is somewhat subjective because we tend to modify experiences and information slightly to fit in our pre-existing beliefs. समझ आई आपको? Yes, ma'am. Okay, fine. Accommodation क्या है? Another part of adaptation involves changing or alerting our existing schemas in light of new information. A process known as accommodation. Accommodation involves modify existing schemas or ideas, results, information and experiences. New schemas may also be developed during this process. Equilibration क्या होता है? प्याजे बिलीव दैट ऑल चिल्ड्रन ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन. किसी भी चीज में बैलेंस को मेंटेन करना जो है वो इक्विलिब्रेशन कहलाता है. ठीक हो गया. यहाँ पे एक छोटी डेवलपमेंट दी हुई है. डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ एज रिलेटेड चेंजेस दैट हैपन ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम. सॉरी क्लास, या आपके जैसे दो के बच्चों की और क्लास में मेरे साथ कंटिन्यू है जो कि प्रेजेंट में है. ओ साइकोलॉजी वाली के मैम जी, वैसे स्टडी वाली बेटा नहीं, वो पेशेंट है. द पीपल आर पेशेंट. ये अपने सेशन के लिए आते हैं ना 1 आवर 45 मिनट्स. जैसे मैम आप इनको ट्रीट कर रही है लगता है ये पागल हैं. अल्लाह रहम करे. बहुत डर लगता है जाने से, बहुत डर लगता है. हां 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 क्यों हम जाएंगे अगर ना भी हुए तो? हो जाएंगे अगर हमसे भी ज्यादा. क्यों डर क्यों लगता है जाने से? अभी जब आप लोगों को शर्म बहुत आती है. अभी जब आप लोगों को बेटा, अभी जब मैंने आप लोगों को ब्रेक दी थी ना 15 मिनट्स की, अगर उस वक्त आप वो पेशेंट को विजुलाइज कर लेते ना, लिटरली मैं इतना डर गई थी कि मैंने बाहर फोन करके कहा था कि इसके साथ कोई ना कोई जरूर आए. मींस कि मेरे स्टाफ में से जरूर इसके साथ कोई ना कोई आए. ओ मैंने तो नेशनल हॉस्पिटल गया था ना जब कोई स्टूडेंट थी, तो वहां से भाग गया मैं. तो क्या भाग गया मैं? मैंने कहा मैंने नहीं जाना है इसके पास. क्यों? ऐसे ही शर्म बहुत आ रही थी, वो अजीबोगरीब सी चीजें लिखवा रही थी, करने को बोल रही थी. एक्टिविटीज जो करवाते हैं ना वो सही नहीं थी एक्टिविटीज. आप तो नॉर्मल बच्चे थे, आपसे तो वो काम ही. जो आपने नोट्स भेजे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट में भेजने, वो पिक्सल फट गए हैं उसके, सही तरह नजर नहीं आ रहा. मुझे नहीं पता डॉक्यूमेंट्स कहाँ होते हैं. व्हिच वन दिस डॉक्यूमेंट्स? मैम पीडीएफ फाइल बना के सेंड कर. ऐसे नहीं पता चल रहा आप लोगों को? नहीं मैम, पिक्सल फट गए हैं.
आपको नहीं नजर आ रहा, बाकियों को भी किसी को नजर नहीं आ रहा, चेक करें प्लीज। मैम वैसे ठीक है, सही है, मुझे तो आ रहा है मैम, नजर आ रहा है, पर आ जा रहा है, सही है मैम, सबको नजर आ रहा है, ये जान के ना पढ़ने के बहाने आप लोगों के कि मैम नजर नहीं आ रहा। मैम बस फर्स्ट पैराग्राफ नहीं नजर आ रहा, बाकी सारा आ रहा है। मैं आपको रीसेंड कर देती हूँ बेटा। किसी का घर यहाँ पे पास नहीं है यूनाइटेड के, या कारदार के आप लोगों में से? बॉयज आपसे पूछ रही हूँ जी, है कहाँ पे जगह, मुझे यही नहीं पता ये है कौन सी जगह। ये यूनाइटेड हॉस्पिटल तो कश्मीर पुल पर है, जहाँ पे वो अंडरपास बन रहा है, ईडन वैली वाली साइड, ईडन वैली, हाँ ये बिल्कुल वही रास्ता जाता है। और जो कारदार हॉस्पिटल है वो कोहिनूर में है। मैम ये हमजा अल्ताफ होता है आपकी साइड पे? कौन हमजा अल्ताफ है? जी मैम मैं होता हूँ, मैं उसी साइड पे रहता हूँ, पीटर कार्ड वाली साइड पे। कहाँ रहते हैं, कौन से टाउन का, क्या है जगह का नाम जहाँ रहते हैं? कल मैंने इसका बैग जब देखा था तो उसमें न्यू वाली एक्टिविटीज नहीं थी, तो मुझे ये था कि शायद घर पे नहीं आई है, तो फिर इसका जो ट्यूशन पे जाते हैं आप कहीं वहां से पता कर लिया है। जी क्लास सॉरी एक्चुअली आपकी क्लास के टाइम अब खत्म होने वाला है, मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं, आप देख लें अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो वेल एंड गुड, वरना मुझे उम्मीद है कि हम लोग इंशाल्लाह ये दो क्लासेस इस तरह से लेंगे, उसके बाद हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, दे सकती हूँ इंशाल्लाह। और अदरवाइज अगर आपको पहले चाहिए तो फिर कोई बच्चा मेरे से ले ले और इसको बुक करा कर स्कैन वकैन तो आपको सेंड कर सकता है तो कर दें, नहीं तो आप थोड़ा वेट कर लें। और वैसे मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है, इज इट रीडेबल ना? यस यस रीडेबल है, सही है। यस स्कैन करके दे। महत प्लीज सिट डाउन बेटा, टेक योर सीट महत। जी क्लास आज को आज के लेक्चर से रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो पूछें प्लीज। नो मैम यू हैव ओनली 6 or 7 मिनट्स। मैम अटेंडेंस दोबारा तो नहीं होनी? होने लगी है, पेपर खोल रही हूँ अटेंडेंस लगाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम मैम, कौन है आप? मैं मोहम्मद तल्हा, अपना फर्स्ट लेक्चर की अटेंडेंस मुझे बता दें लगी कि नहीं, मेरा नेट इशू था। मोहम्मद तल्हा फर्स्ट लेक्चर की मतलब क्या मतलब? मतलब आपने पहली पूरी क्लास नहीं ली और बीच में आके हमें ज्वाइन कर रहे हो? मैम नेट इशू था, मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आपका ईजी नंबर क्या है? 4505 4505। मोहम्मद तलहा लगी हुई है, किसी और ने बोल दी होगी यकीनन। जी मैंने उसे कहा था। अच्छा यार भाई इसमें आपकी कंप्लीट कर रही हूँ, जिसने लगाई है उसका भी बता दो, उसकी भी कर दूं क्या चीज मैम? जिसको आपने अपनी अटेंडेंस बोलने के लिए कहा था वो कौन था? आपकी तो मैं नहीं लगा रही हूँ, आपकी तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, तो उसी वक्त अगर वो आपका फेलो मुझे बता देता कि मैम उसका नेट इशू है, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा और आप जैसे भी तशरीफ ले आए आप आके लगा देते। सेकंड क्लास में आपकी सारी ली है, फर्स्ट क्लास में मैं आया था लेकिन नेट इशू था, मैं चला गया। क्या पढ़ा था सेकंड क्लास में हमने? जी तलहा फिर आपका नेट इशू हो गया होगा यकीन मैम, काइंडली अटेंडेंस लगा दे। नहीं नेट इशू हुआ कि नहीं हुआ? मैम नहीं, मुझे वाईफाई मिल गया कहीं से, मैं असल में बैठा हूँ सूत्र मंडी इसलिए। क्लास लेने के टाइम पे
क्लास लेनी होती है, काम के टाइम पर काम करना होता है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, वो मसला नहीं है, क्लास में आपकी सारी लूंगा, वो टेंशन नहीं है, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है ना। तो क्लास तो बेटा आपने नहीं लिया, आप सिर्फ अटेंडेंस थी, प्रेजेंट हुआ। मैम चले लगा दे, बेचारे ने सच बोला है, इसी बात का इनाम देते हैं। जी मैम मैंने बिल्कुल सच सच्ची बात की है, झूठ वाली बात नहीं की है। अच्छा चलिए ठीक है। ठीक है क्लास, फिर बाय बाय बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन मैम, आपका अटेंडेंस। थैंक यू मैम। नहीं बेटा ले ली, बस अटेंडेंस बहुत होगी। मैम आपसे एक बात पूछूं? यही है भैया, कितने अच्छे हो। मैम आपसे एक बात पूछूं? यही है भैया, कितने अच्छे हो। राजा भाई राजा मैम की ट्विटर पार्टी लगा रहे हैं। यार ना तंग करो, मैंने मैम से बात पूछनी थी। मैम वो बातें छोड़े, जिसने कहा ना उसकी सारे चेक करें बस। यार लीव कर जाएं ग्रुप, अब ये क्लास अब यही चबले मजनी है इसमें। जाने वाले को कौन रोक सकता है भाई। सर किधर, ओ मैम तो चले गई, मैं होस्ट बना हुआ हूं। मैम भी जाने वाले को क्लास में, मैं क्लास में नहीं है। ये क्या मामला है यार, क्या हुआ। रजिया चलो जो भी बोल रहा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जो भी है। ओए अजान का ख्याल कर लो आप, होते कौन खेलने वाले। फिर एहसास करते हैं बताओ आप कौन है खेलने वाले। ना मुंह ना बच्चा जिन भर लो था। तुम्हारी गरीबों जैसी लड़कियों वाली आवाज है तभी आओ ना गुजरात, बताती हूँ कौन सी वॉइस होती है। लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़कियां करती है, नहीं करती। मैं तुम्हें लगता है आप है तो कोई ना, वो सब कुछ करती है बेटा। तुम मिल मुझे पूछिए नहीं यार, लेवल तड़ी शोर है कुछ कहा तो। समझ के माफ कर दो यार, यार कुछ नहीं होता। नहीं यार क्या, बहुत अच्छी बात है यार, मैं एक्टर बन गया हूँ, मेरे फैंस हैं ये लोग। वाह वाह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है, देखे ना मुझे, मैं फेमस हो गया हूँ। आप फेमस बॉय हैं लेडी।